गुड इवनिंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द ब्लैक होल. एज यू कैन सी द टाइटल ऑफ टूडेज टॉक ऑन द बोर्ड रिटन ऑन द बोर्ड ऑन माई बैक, टूडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर द हिस्टोरिकल एंड आइडियोलॉजिकल रूट्स एंड डिवेलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म इन द 19th सेंचुरी यूरोप, एज वेल एज वी विल शेड लाइट ऑन इट्स ग्रेजुअल स्प्रेड इन एशिया और टू साउथ एशिया टू बी प्रिसाइज. We are very grateful to Amjad Nazir. He is sitting on my right. He is a social and public policy researcher and human rights defender. Academically, he holds degrees in governance and development management from UK, human rights policy and practice from Norway and Sweden, and social anthropology from Pakistan. He has produced a number of research reports, op-eds, and news articles on various aspects of human rights, minority rights, children rights and education. Formerly he has been associated with South Asia Partnership Pakistan, as known as SAP PK, Oxfam NOVIP and Action Aid Pakistan. Amjad Nazir sahab ne Arundhati Roy ki kitab Ordinary Person's Guide to the Empire iska Urdu mein bhi tarjuma kiya hai, baunwan Sarmaya Dariyat Riyasti Jabr aur Muzahamat. आप सब लोगों की आमद का शुक्रिया. प्लीज़ हमें एक फेवर दीजिए और अपने सेल फोन्स जो है वो साइलेंट मोड में कर दें, सो दैट देयर इज़ नो डिस्ट्रैक्शन व्हेन द हाउस इज़ ओपन फॉर क्यू एंड ए. आप भी इस गुफ्तगू में शरीक हो सकते हैं. उसके लिए आपने सिर्फ अपना हाथ बुलंद करना है और हमारा कोई साथी आपको जो माइक दे देगा, जिसके बाद आप अपना इजहार ख्याल कर सकेंगे. लेडीज़ एंड जेंटलमैन, प्लीज़ वेलकम अमजद नज़ीर. थैंक यू. बहुत शुक्रिया नैयर आफाक और ब्लैक होल, आपने मुझे इस मौजू पर बात करने का मौका दिया है. नेशनलिज्म, कौम परस्ती या कौमियत पसंदी, मैं ज़ाती तौर पर कौमियत पसंदी की इस्तलाह इस्तेमाल करता हूँ, इंतहाई पेचीदा मौजू है. इस पर हम आते हैं. आज 23 फरवरी है और आज से कोई दो दिन पहले 21 फरवरी था. और 21 फरवरी के बारे में से हम में से अक्सर लोग जानते हैं कि ये मादरी ज़ुबानों का या उनकी अहमियत का आलमी दिन है, और पाकिस्तान की तरह दुनिया के कमोबेश तमाम ममालिक में 21 फरवरी का दिन मादरी ज़ुबान की अहमियत और मादरी ज़ुबान या ज़ुबान के हवाले से शनाख्त के तौर पर मनाया जाता है, जिसमें ज़ुबान, अदब, शायरी, तारीख, सकाफ़त, बहुत सारे मौजूद पर बात होती है. और इससे पहले कि मैं कौमियत पसंदी पर बात करूं, मेरा ये ख़्याल है कि कौमियत पसंदी इंतहाई पेचीदा तरीन मौजूआत में से एक है, और वक्त गुज़रने के साथ साथ गुज़श्ता 200-250 साल में ये मज़ीद पेचीदा तर होता चला जा रहा है. ख़ास तौर पर आलमगीरियत के इस दौर में, आप उसे आलमगीरियत कहें, ग्लोबलाइजेशन कहें, ग्लोबल विलेज कहें, जिसमें सोशल मीडिया के ज़रिए, डिजिटल टेक्नोलॉजी के ज़रिए मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस और ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस और गूगल, इस दौर में जब लोग और ज्योग्राफी और मुल्क और रियासतें और मसाइल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और अक्वामे मुत्तहिदा जैसा एक इदारा भी यहाँ पर वजूद रखता है, और ये भी हमें मालूम है कि बहुत सारे समाजी, सियासी, मुआशी इदारे मौजूद हैं जो कि मुख्तलिफ मुल्कों की सोविनिटी या खुद अख्तियारियत कहें, यहाँ के खुद अख्तियारियत है या उनकी सेल्फ गवर्नेंस को मुतासिर करते हैं और सोविनिटी को भी एक तरह से चैलेंज करते हैं. यहाँ तक भी कहा जाता है द स्टेट सोविनिटी इज़ ऑलमोस्ट ओवर. तो इस पस मंज़र में नेशनलिज्म की क्या अहमियत है, लिहाजा ये भी एक पहलू शामिल है. लेकिन कौम या कौमियत पसंदी की जब हम बात करते हैं तो इसमें तीन चार चीज़ें इंतहाई अहम हैं जो हमें मद्देनज़र रखनी चाहिए. कि कौम या कौमियत के हवाले से इसमें ज़ुबान, मैंने ज़िक्र किया है, तारीख, जुग्राफिया, समाज, सकाफ़त, और फिर मुख्तलिफ़ कौमों और गिरोहों का तजर्बा शामिल होता है.
लेकिन मुख्तसरन जिसे कहें कि एकेडमिक इस्तलाह में किसी भी कौम से मुराद एक ऐसा गिरोह या एक ऐसी कम्युनिटी या एक ऐसी कौम जो किसी ख़ास खित्ते या जुग्राफिये या इलाके या रियासत या हैबिटेट जिसे कहें उसमें सदियों से आबाद हो और उनके दरमियान बहुत सी अकदार मुश्तरक हों, वो अकदार तारीख़ी, लिसानी, सकाफ़ती, समाजी, मुआशी हो सकती हैं। और ये फ़्रांसीसी इस्तलाह नेशियो वग़ैरह से मश्तक है, मैं उस तफसीलात में नहीं जाता, लेकिन रफ्ता रफ्ता जैसे जैसे कौम या कौमियत पसंदी या नेशन या नेशनलिज्म या नेशनलिस्टिक एस्पिरेशंस की बात हुई, ये उस वक्त मौजू अहम हो गया या बहुत ज़्यादा अहम हो गया जब इसकी सियासी इस्तलाहात वज़ा होने लगीं या इसको सियासी मानों में समझना शुरू कर दिया या सियासी तहरीकें इससे जुड़ी हुई थीं, तो ये एक ख़ास अहमियत अख्तियार कर गया और सियासी तरकीब में इसके बहुत से मानी, बहुत से मतालब, बहुत से इसके इतलाकात या बहुत से पहलुओं पर बातचीत हुई। लेकिन दो अंसर इसमें काफ़ी ज़्यादा अहम रहे, एक ज़ुबान और ज़ुबान से जुड़ी हुई शनाख्त और एक तीसरा तस्वुर जिसका इससे चोली दामन का साथ है, वो है द राइट टू सेल्फ़ डिटर्मिनेशन अंग्रेज़ी में, या उसका मरकज़ी असूल, कौम या कौमियत का मरकज़ी असूल ये करार पाया कि ये एक नेचुरल यूनिट है या एक नेचुरल एंटिटी है और इसी के इर्द गिर्द सियासत और मईशत और समाज को घूमना चाहिए और हुक्मरानी या हकूमत या रियासत साजी का जो बुनियादी अंसर या बुनियादी असूल है वो कौम या कौमियत होना चाहिए। अब ये एक ऐसा असूल या मरकज़ी नुक्ता है जिसके गिरदा गिर्द गुज़श्ता 250-300 साल की यूरोप की तारीख, कौमियती तारीख की बात कर रहा हूँ, एशिया की तारीख, अफ्रीका की तारीख और जनूबी अमेरिका की तारीख घूमती है और आज भी इस तरह की ख़ास तौर पर जनूबी जिन्हें कहें जनूब के मुल्क कहें या तरक्की पज़ीर मुल्क कहें और अमूमी तौर पर यूरोप में भी इसने काफ़ी सियासी, मुआशी, समाजी असरात अपने डाले हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा, क्योंकि तारीख के बग़ैर शायद कोई भी समाजी या मुआशी या सियासी मौजू, मगर कौमियत को समझने के लिए या कौमियती सियासत को अगर हम तारीख़ी तनाज़ुर में ना देखें तो बहुत मुश्किल होगी इसको और इसके असरात को समझने में। ये हमारे जहन में होना चाहिए कि ये अपने सियासी मानों में कोई 18वीं सदी के वस्त से लेकर 19वीं सदी के वस्त तक ये मौजू यूरोप में काफ़ी अहम रहा, जिसमें बहुत सारे हालात व वाक़ियात गुज़रे, लेकिन ख़सूसी तौर पर 1799 का फ्रांसीसी इनकलाब, रूसो वगैरह या बहुत सारे और माजीनी शाजीनी, बहुत सारे और कोई जर्मन और फ्रेंच स्कॉलर थे जिसकी तफसीलात में जाने की ज़रूरत नहीं थी। बहरहाल 18वीं सदी के वस्त से लेकर 19वीं सदी के वस्त तक ये यूरोप में इंतहाई अहम तरीन तस्वुर बन चुका था, जिसके ज़रिए उन्होंने ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स को और ख़ास तौर पर जो क्राउन्स या किंगडम्स थी उनको पाश पाश किया और अवामी, समाजी या सियासी नुमाइंदा हकूमतों की तशकील दी और उनकी बातचीत या उनका मुतालबा या उनके नारे यही थे कि कौम या कौमियती तरकीब ही सियासत, हकूमत या गवर्नेंस का कुदरती और बुनियादी असूल है, यानी बादशाह सुवेरियन नहीं है बल्कि लोग सुवेरियन हैं। और रूसो के दो तस्वुरात काफ़ी अहम हैं जिसे वो जनरल विल या पीपल्स सुवेरनिटी के नाम से याद करता था, लिहाजा वहाँ पर कौमियत और फिर बाद में दूसरे मुल्कों और इलाकों में भी कौमियत और शहरियत बाहम मुतरादिफ तसव्वुरात समझे जाने लगे।
थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। 19वीं सदी के वस्त में कौमियती जज्बे के तहत ही था कि रूसी ऑस्ट्रो हंगेरियन अम्पायर्स टूट फूट का शिकार हुई और इटली दोबारा मुत्तहद हुआ, जर्मनी या जर्मनी की मुत्तहिदा रियासतें बनी। इटली और जर्मनी कोई 10, 12, 15 बल्कि शायद जर्मनी तो कहते हैं 37 रियासतों में बटा हुआ था, मगर उन्होंने कहा क्योंकि हमारी तारीख, हमारा जुग्राफिया और हमारी ज़ुबान एक है, लिहाजा हमें एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म के ज़रिए या मुश्तरका हकूमत साजी करनी चाहिए जो कि लोगों के हक में काम करें। और यही कौम परस्ती की लहर ही थी जो रफ्ता रफ्ता हमारी तुर्क सल्तनत या सल्तनत उस्मानिया की शिकस्त और रीख्त का भी बायस बनी। यानी जो इलाके या मुल्क तुर्क सल्तनत के या उस्मानिया सल्तनत के ज़ेर नगीं थे उसके अंदरूनी खुलफशार, अंदरूनी इंतशार, अंदरूनी तजादात अपनी जगह, उस पर हम बात नहीं कर रहे। लेकिन मशरक़ी यूरोप के जितने ममालिक ने और बाद में हम देखते हैं कि शुमाली अफ्रीका और मशरक़ वस्ता के जो भी मुल्क थे उन्होंने इसी जज्बे के तहत तुर्क सल्तनत से आज़ादी हासिल की। फिर हम देखते हैं कि ये 19वीं सदी के अवाखिर तक कौम परस्ती एक इंतहाई ताकतवर तरीन सियासी, समाजी और मुआशी जज्बा या तकाजा बनकर उभरता है और बहुत तेज़ी से यूरोप के ममालिक और यूरोप के बाद जो ममालिक ने रफ्ता रफ्ता आज़ादी हासिल की और रफ्ता रफ्ता अपनी शनाख्त मुकरर की, तो आप कौमी झंडा, उसके बाद कौमी तराने, फिर कौमी त्यौहार, फिर कौमी हीरो, यहाँ तक के कौमी जानवर और कौमी फूल और कौमी रंग, ये सारे राजपाट का हिस्सा बन गए। मगर ये वही लहर थी जो रफ्ता रफ्ता आगे बढ़ रहे थे और फिर उसमें कौमी शायर वगैरह वगैरह, लेकिन ये जहन में रखिएगा कि कौमी ज़बान फिर भी इसका मरकज़ी तसव्वुर रही। यूरोप में ख़ास तौर पर और हमारे जैसे तरक्की पज़ीर मुल्कों में आम तौर पर फिर जिसे अमूमी तालीम, मास एजुकेशन कहते हैं, और अखबारात के ज़रिए फिर ये बात, ये जज्बा, ये नुक्ता नज़र, ये तसव्वुर जागुज़ी हुआ और फिर कौमियत पसंदी की लहर या कौमियत पसंदी का जज्बा या कौमियत पसंदी आम हो गई या ज़ुबान ज़दे आम हो गई। मगर हैरत की बात है कि अगर हम स्लाइटली मैं इसे कहूँ कि थेरेटिकल या एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट में ये बड़ा मुतज़ाद तसव्वुर भी रहा है, यानी ये वैसा नहीं है जैसा मैंने अब तक कहा है। इसमें फिर रफ्ता रफ्ता मुतज़ाद तसव्वुरात में बहुत गुंजाइश हासिल कर ली और आप आगे चलकर देखेंगे या आप लोग जानते होंगे या आप सुनते और पढ़ते रहते होंगे कि लिबरलिज्म से लेकर फाशिज़म तक ये तसव्वुर इंतहाई मुतफरक बल्कि मुतज़ाद ख्यालात का और रुझानात का शिकार रहा, बायस रहा या हिस्सा रहा। शुरू में ख़ास तौर पर यूरोप में कौम परस्ती और लिबरल या प्रोग्रेसिव कुव्वत समझी जाती थी, लेकिन रफ्ता रफ्ता रुजत पसंद, कदामत पसंद कुव्वतों ने नकबज़नी की या इसको इस्तेमाल किया या इस पर अपनी उजारादारी कायम की और उसकी अपनी ही तरजीहात और तौजीहात और तशरीहात मुतय्यन की। यूरोप में भी ऐसा हुआ और आज हो रहा है और तरक्की पज़ीर मुल्कों में भी ऐसा हुआ और आज तक ये सिलसिला जारी है। उसकी कुछ वजूहात यूरोप में भी थी, मशरक़ी यूरोप में ख़ास तौर पर, मगरबी यूरोप में नहीं, और जनूबी ममालिक या जनूब के ममालिक में इश्तराकी और इस्तेसाल कुशा ख़ास तौर पर जदलियाती यानी मार्क्सिस्ट रुझानात या तबकाती इस्तेसाल या तबकाती तकसीम के हवाले से, और इस तरह के तसव्वुरात को दबाने के लिए फिर कंजर्वेटिव रुजत पसंद माजी पसंद सियासतदानों ने कौमी हमीयत और जमीयत और ख़ुद साख्ता अस्करी और मजहबी और तमदनी तारीख और उसकी अजमत और उसके तराने और उसके हीरो ढूंढ ढूंढ कर निकालने शुरू किए, यानी कौम साजी का अमल शुरू हो गया। मैं कतन ये नहीं कह रहा कि कौम नहीं थी, कौम
कौमी तस्वुर बिल्कुल बेबुनियाद था, बेजान था, खोखला था, लेकिन उसके अंदर मैंने नकबज़नी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। नज़रियाती तौर पर जो रिशा दवानियाँ या नकबज़नी हुई तो वो यूरोप में भी और बाद में एशिया, अफ्रीका, किसी हद तक लातिनी अमरीका के मुल्कों में भी। उसका मकसद ये था कि जो कौमीतों के अंदर या लोगों के अंदर जो तजाद है और जो इस्तेसाल है, जो अदम मसावात है, जो ना बराबरी है, उसको रोका जाए या कमज़ोर किया जाए। इसलिए वो फिर तारीख़ की अजमत के तराने वगैरह वगैरह ये उनको बहुत सूट करते थे। और इसका नतीजा यही हुआ कि रफ्ता रफ्ता कौमियत पसंदी का जो असल मकसद था वो गायब होना शुरू हुआ। यानी उसमें इंफरादी आज़ादी की बात होती थी, उसमें कौमियती आज़ादी और कौमियती मसावात की बात होती थी, उसमें आज़ादी फ़िक्र इजहार की बात होती थी, और बिलखसूस सियासी, समाजी और मुआशी आज़ादी और मुआशी तरक्की जिसमें सबका हिस्सा हो और सबके सब शामिल हों। यानी सेकुलर, इंक्लूसिव, डाइवर्सिफाइड जो नेशनलिज्म का तस्वुर फ्रांस और जर्मनी या यूरोप में उभरा था, उसी के ही खिलाफ हो गया नेशनलिज्म का ये तस्वुर, बिलखसूस 19वीं सदी के अवाखिर में और 20वीं सदी के शुरू में या 20वीं सदी के वस्त तक। और यही कौमियत का तस्वुर था जिसने ज़ेनोफोबिया यानी हर दूसरे फ़र्द से, हर दूसरी कौमियत से, हर दूसरी शनाख्त से या अकलियतों से खौफज़दा होना, यानी ज़ेनोफोबिया और शावनिज़म की या शावनिज़म की बुनियाद डालकर कौमियत की शनाख्त को अगर मसख नहीं तो बहुत ज़्यादा मुतासर करने की कोशिश की। यानी इसमें हुआ यूँ कि गालिब ज़बान या गालिब नस्ल या गालिब मज़हब की जबरियत को मज़ीद तकवियत दी गई और तकवियत मिलती रही। अब ये दिलचस्प बात है कि मग़रबी क्लासिकल कौमियत के हामी एक तरफ वो कौमियतों के मसावात का प्रचार करते थे, लेकिन दूसरी तरफ वही रिवायती इदारे हम कितने अजीम हैं, हमारी तारीख कितनी अजीम है और हमारी कौम कितनी अजीम है और हमारी शनाख्त कितनी अजीम है, उसने ना सिर्फ समाजी और मुआशी और इलाकाई हत्ता के नस्ली अदम मसावात को रिवाज दिया। और यही वजह थी नस्ली बरतरी, यूरोप की नस्ली बरतरी की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, सफ़ेद अकवाम की नस्ली बरतरी की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, उन्होंने, और फिर तौसी पसंदी और नव आबादियत को फ़रोग मिला। और हम देखते हैं कि 19वीं सदी के वस्त से थोड़ा पहले लेकर 20वीं सदी के वस्त तक फ्रांस और बरतानिया, फ़्रांस और बरतानिया ने बिलखसूस तकरीबन अफ्रीका और एशिया के तमाम ममालिक को ज़ेर नगीं कर लिया और उनका खूब खूब सियासी, समाजी, मुआशी इस्तेसाल किया। और ये सिविलाइजेशनल प्रोजेक्ट और वाइट मैन बर्डन और सुपीरियर रेस का तस्वुर, ये सब हम देखते हैं, और ग़ुलामी को भी इसी वजह से मज़ीद तकवियत मिली। और ग़ुलामी के बारे में सारे पढ़े लिखे लोग पता हैं, उनको पकड़ धकड़ करना, उनको गिरफ्तार करना, उनके ऊपर मोहरें लगाना, उनके दांत और उनका कद और उनका जुस्सा और उनके काम की सलाहियत और उनकी उम्र और उसके ऊपर बाकायदा टैग लगाकर फरोख्त करते थे। ये उससे पहले शुरू हो चुका था ग़ुलामी, बहरहाल कोई 150-200 साल, कोई 15वीं-16वीं सदी में शुरू हो चुकी थी, लेकिन कौमियत पसंदी, नस्ली बरतरी, नस्ली तफाखुर, सफ़ेद फाम अकवाम की बरतरी और तबई बरतरी और कुदरती बरतरी और कुदरती सलाहियत, उसमें फ़लसफ़ी, दानश्वर, सियासतदान सब शामिल थे। मेरा ख्याल है इमानुएल कांट ने एक बार कहा था कि इंडियंस एंड ब्लैक्स एंड इंडियंस आर डिवाइड ऑफ रीजनिंग। मौसूफ ने कभी इंडिया विज़िट ही नहीं किया था। तो यानी उसमें साइंसी, समाजी, मुआशी, सियासी हर तरह की थेरीज उन्होंने ईजाद की, घड़ी और उनको इस्तेमाल किया। और वो सिविलाइजेशनल प्रोजेक्ट आप भी आज भी आप देखते हैं, दूसरे मानों में अमेरिका और इसराइल ने जो जंग मुसलत की हुई है, आज भी ये इस्तलाह इस्तेमाल होती है। यूरोप में तो दौड़ लगी हुई थी
किसके पास कितनी कॉलोनियाँ हैं। इन दो तीन बड़े ममालिक को तो छोड़ दें, बेल्जियम और नीदरलैंड और डेनमार्क और पता नहीं कौन कौन सा मुल्क था, सबके पास दो दो चार चार और डच विलंदेजी जिन्हें हम कहते हैं, सब ने ऐसे जैसे मंडी लगी होती है ना, उन्होंने जाकर मुख्तलिफ इलाकों पर कब्ज़ा किया। और अगर आप कभी दुनिया का और अफ्रीका का और वस्त एशिया का अगर आप नक्शा उठा कर देखें तो आपको इतना गैर फितरी महसूस होगा। मसलन टोगो, अगर मैं ठीक कह रहा हूँ, एक दरिया है और वो जा रहा है, वो 300 किलोमीटर है, ये फ्रेंच कॉलोनी है, ये ब्रिटिश कॉलोनी है, ये जर्मन कॉलोनी, क्योंकि वो ट्रेड रूट्स थे। ये क्या बात है, यानी इस तरह उन्होंने हिस्से बखरे किए कि आपको देखकर हैरत और अफसोस होता है कि यार ये हालत वो कर रहे थे इंसानियत की। आज जो इंसानियत के बही ख्वाह और अलमबरदार और इंसानियत पसंद और मसावत पसंदी की थ्योरीज हमें पढ़ाते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ क्योंकि मैं तालिब इल्म हूँ समाज का या बशरियात का, बहरहाल ये सूरत हाल थी। और पहली और दूसरी जंग अजीम भी नस्ली बरतरी, नस्ली तफाखुर के साथ, कौमी तफाखुर और एक दूसरे के नव आबादियात छीनने झपटने पर मबनी थी। ये हमारी जंग नहीं थी, ये उनकी जंग थी। लेकिन अफसोस की बात है, इसमें 38 लाख हिंदुस्तानी मारे गए, 30 लाख के करीब सिविलियन और कोई 8,700 के करीब 87,000 जो है वो फौजी मारे गए, या जो फौजी भी क्या, ज़बरदस्ती जिनको जिनकी रिक्रूटमेंट या कंस्क्रिप्शन जिसे कहते हैं की गई थी। मैं आपको चंद एक मिसालें, बहुत थोड़ी बहुत कम, उशरे अशीर जिसे कहते हैं, ये था कि जी वी आर स्ट्रांग, वी आर हाई ग्रेड रेट, वी आर वाइज रेस, ब्लैक्स एंड अदर्स आर सेवेजेस, बारबेरियंस, अनसिविलाइज्ड, नेचुरली इन्फीरियर, बॉर्न टू सर्व, इस तरह की थेरीज थी, बाकायदा पूरी की पूरी थेरीज थी, ये फ्रेजेस नहीं थे थेरेटिकल। इसमें बायोलॉजी, इसमें एंथ्रोपोलॉजी, इसमें सोशियोलॉजी, इसमें डार्विनियन सोशियोलॉजी, इसमें एवोल्यूशनरी सोशियोलॉजी, इसमें साइंस, इसमें फिलोसफी, इसमें आर्ट, सारे शामिल थे कि ये हैं ही इन्फीरियर, इनको बनाया ही इसीलिए गया है। और बारबेरिक हैं या एनिमल्स, दे यूज द वर्ड। मैं सिर्फ वो मिसाल दे रहा हूँ जो हमसे मुतल्लिक है, विंस्टन चर्चिल साहब। मज़े की बात है, बीएससी में हम विंस्टन चर्चिल को पढ़ते थे, उसका एक मजमून पढ़ते थे। विंस्टन चर्चिल कहता था इंडियंस के बारे में, मुत्तहिदा हिंदुस्तान, दे आर द बीस्टली पीपल विद बीस्टली रिलीजन। बंगाल फेमन में उसने कहा कि इट्स देयर ओन 1943, जिसमें 30 लाख बंगाली भूख से मर नहीं गए थे, मारे गए थे। बंगाल का सुनहरी दौर अगर आप याद जा रहे हैं तो उसका जो टेक्सटाइल की सनत थी वो 18वीं और 19वीं सदी के वस्त में यूरोप की तमाम मईशतों का अब भी शायद मुकाबला कर सके, ये हालत थी। और बाद में भूखे बंगाली बंगाली का इस्तेलाह वहाँ से पैदा होनी शुरू कर दी थी। उसने कहा इट्स देयर ओन फॉल्ट बिकॉज दे ब्रीड लाइक रैबिट्स। लंबी बात है, मैं मुख्तसर बात आपको निकाल दे रहा हूँ। और उसने ये भी कहा कि सेविंग स्टर्डियर ग्रीक्स इज फार मोर इम्पॉर्टेंट दैन प्रोटेक्टिंग और सेविंग एनी इंडियंस, सो दैट वॉज द प्राइड। और गांधी जी को वो कहते थे सीडिशियस फ़कीर, गद्दार फ़कीर है। बल्कि ये भी पूछा गया कि यार वो उधर इमदाद नहीं जा रही, सारी जो अजनास है या खुराक है आपने अपने फौजियों को खिलाए जा रहे हैं। उसने कहा बट द गांधी डिड नॉट डाई, नॉन सेंस, अलाउ मी टू से। बहरहाल, और जब और विंस्टन चर्चिल ख़ास तौर पर बरेसगीर पाक व हिंद या मुत्तहिदा हिंदुस्तान को आज़ादी देने के सख्त खिलाफ थे, इंतहाई खिलाफ थे, ये छोटे लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसने कहा पावर इज़ बीइंग ट्रांसफर टू द रास्कल्स, रोड्स एंड फ्री बूटर्स, दे आर गोइंग टू फाइट विद ईच अदर। चलें हम इस बात को छोड़ते हैं, हम ज़रा आहिस्ता आहिस्ता अपने इलाके, अपने खित्ते, अपने मसाइल की तरफ आते हैं। 20वीं सदी के वस्त तक कौम साजी और कौम परस्ती के नज़रियात फ्रांस और बरतानिया के ज़ेर तसल्लुत एशिया और अफ्रीका के तमाम मुल्कों में इंतहाई शद्दोमत के साथ फैल चुके थे। दूसरे लफ्ज़ों में लोआप अपने दाम में सयाद आ गया। और फिर इस कौम परस्ती या कौमियत पसंदी ने या कौमी हमीयत ने या कौमी अज़मत ने या अपनी जुदागाना तशख़्ुस या जुदागाना शनाख्त या जुदागाना तारीख़ के जज्बे के तहत ही
अफ्रीका और एशिया के और वस्त एशिया के तमाम ममालिक ने कहीं खूनी, कहीं जुज़वी तौर पर खूनी और कहीं कम खूनी। मैं इसलिए खून के लफ्ज़ को नहीं छोड़ रहा, ये हमारा बिल्कुल गलत तस्वुर है कि जी फ्रांसीसी बड़े सफाक थे और बरतानवी बड़े जमहूरियत पसंद, मुज़ाकरात पसंद, बातचीत पसंद थे। ऐसा नहीं है, माजरत के साथ। ये अगर आप पूरी दुनिया की तारीख पढ़ें तो आपको पता चलेगा कहाँ पर, कब, किसके साथ इन्होंने किस तरह का क्या बर्ताव किया। थोड़े क्लेवर ज़्यादा थे या उन्हें एक्सपीरियंस ज़्यादा था। तो बहरहाल नव आज़ादी बह इसकी ये यानी नेशनलिज्म की फ्रीडम जो है वो नेशनलिज्म की प्रोडक्ट भी जुज़वी तौर पर है। और वो जो पहली और दूसरी जंग में मुआशी तौर पर मगरबी यूरोप के ममालिक काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे, तो इसलिए उनके पास उनके लिए मुमकिन भी नहीं था। और माहरीन एक तीसरे पहलू को भी कहते हैं कि क्योंकि जहाँ अमन पसंदाना मुज़ाहमत की तहरीक थी वहाँ कुछ मुतशद्दिद तहरीकें भी थीं और उन्हें से बहुत सारे लोग उनकी फ़ौज वौज में भी शामिल थे, तो उन्हें एक बड़े वायलेंस का ख़तरा था जिसमें उनको लग रहा था कि अब इन कॉलोनीज़ को बरकरार रखना मुमकिन नहीं है। क्योंकि मैंने अभी ज़िक्र किया, अगर 87,000 फौजी मारे गए दूसरी जंग अजीम में, उस 87,000 में गोरे फौजों की तादाद, अगर मेरा ख्याल मुझे दुरुस्त याद है, 10,000 थी सिर्फ, तो समझ लें 10 गुना कम कमोबेश। तो उनको ये भी ख़दशा था कि अगर अब भी इन कॉलोनियों को ना छोड़ा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि ये 20वीं सदी के आगाज़ से लेकर जिम्बाब्वे कोई 1981 या 82 में आज़ाद हुआ, या वो काफ़ी मुतशद्दिद तहरीक थी, और साउथ अफ्रीका को कौन नहीं जानते और जानता 1994 में, एज़ लॉन्ग एज नाउ, ये माजी करीब की बात है, ज़्यादा दूर नहीं है, यानी वो कोई आसान बात नहीं थी। फिर नौ आज़ाद तरक्की पजीर दुनिया में हम देखते हैं कि कौम परस्ती की लिबरल सारे पहलुओं में नज़र आए, सेकुलर, सोशलिस्ट, नस्ल परस्ताना, फाशिस्ट, मजहबी, बुनियाद परस्ताना, समाजी, लिसानी, जुग्राफियाई और बिलखसूस इस तरह की तमाम मिसालें फिर जनूब के ममालिक कहें उन्हें, या एशिया या अफ्रीका के ममालिक और जनूबी एशिया, जिसका मैं जिसके ऊपर मैं खसूसी तौर पर रोशनी डालने की कोशिश करूँगा, ये सारी हर तरह की कौम परस्ती हमें नज़र आई इस तजर्बे से, ये अकवाम गुजरी हैं और गुज़र रही हैं। तो ये देखते हुए अगर मैं एक बार फिर थोड़ी एकेडमिक बात करूँ तो माहरीन इस नुक्ता नज़र पर पहुँचते हैं कि ये एक साइकोलॉजिकल सब्जेक्टिव फिनोमिना भी है एक तरह का, जिसे कौमियत पसंदी हम कहते हैं। इतना ऑब्जेक्टिव या इतना मारूजी नहीं है, बड़ी हद तक मौजूई मामलात या एहसासात और जज्बात और आपके ख्यालात और आपके तसव्वुरात भी अगर उसके अंदर शामिल हो जाएं तो फिर ये कोई सियासी नफ्सियाती मामला भी लगता है, इसको समझने की अगर कोशिश की जाए तो। लेकिन फिर भी दो तसव्वुर जिनका मैंने सबसे पहले ज़िक्र किया था, कौमियती शनाख्त और लिसानी शनाख्त, बहरहाल इसका मरकज़ी उनसर रही और आज भी है। फिर इसी रुझान में हम देखते हैं कि जनूबी एशिया में भी ये हुआ कि कौमियती बरतरी, जैसा कि मैंने पहले मगरब के हवाले से ज़िक्र किया है, या कोई जुग्राफियाई बरतरी या किसी हद तक लिसानी बरतरी, अगर अरब या अरबी ज़ुबान की तरफ हम इशारा करें, वो हमारे अंदर भी रफ्ता रफ्ता वो तसव्वुरात और ख़यालात सरायत कर आए या दर आए, और बर सग़ीर पाक हिंद में जैसा कि मैंने देखा हम देख सकते हैं। अब तीन और ममालिक का मैं सिर्फ ज़िक्र करूँगा, हिंदुस्तान का, पाकिस्तान का और बांग्लादेश का, कि हमारे यहाँ कौमियत पसंदी के कौन कौन से रुझानात रहे हैं या तहरीकें रही हैं, और कौमियत का मसला या कौमी सवाल जिसे कहते हैं दानश्वर दोस्त, कौमी सवाल का मसला क्या है और कौमी सवाल का मसला कैसे हल किया जाता है। हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की सियासी तारीख को, नव आज़ाद हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, दो बड़े बड़े अदवार में तकसीम किया जा सकता है। एक 1947 से लेकर 1990 तक, जिसमें कांग्रेस की यके बाद दीगरे हुकूमत रही,
नेहरू है, इंदिरा गांधी है, राजीव गांधी है, और फिर 1990 से लेकर 2024 तक आज हम बैठे हुए हैं बीजेपी की हुकूमत। हरचंद के दरमियान में 2004 से 2014 तक एक बार फिर कांग्रेसी हुकूमत रही, लेकिन उसमें हिंदुत्व, हिंदू कौम परस्ती, हिंदू कौमियत पसंदी, हिंदू शनाख्त का जज्बा अच्छा खासा कार फरमा हो चुका था कि इसको पसे पुश्त धकेलना मुश्किल था। इसलिए मैं उसे इस दौर में या कम अज़ कम हिंदुत्व पसंदी या भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वामी सेवक का दौर कहें या विश्व हिंदू परिषद का दौर कहें या शिवसेना का दौर कहें, समाजी सतह पर, सियासी सतह पर मैंने कहा दरमियान में उनकी आई हुकूमत, लेकिन समाजी सतह पर वो असर रसूख काफ़ी अहम था। जो पहला उसका हिस्सा था उसमें 1950 की दहाई से ही कांग्रेसी हुकूमतों को इस बात का एहसास हुआ कि मामला इस तरह नहीं चलना। हिंदुस्तान में बहुत सी कौमियतें हैं, बहुत सी जुबानें हैं, बहुत सी जुग्राफियाई समाजी लिसानी शनाख्तें हैं, लिहाजा जब हिंदुस्तान बना तो उस वक्त 14 रियासतें थीं और कोई 8 यूनियन टेरिटरीज थीं, और 2024 तक आते आते रफ्ता रफ्ता उन्होंने अवामी मुतालबात या आइनी मुतालबात के तहत इस वक्त हिंदुस्तान में 28 रियासतें या 28 सूबे जिसे हम कहते हैं और कोई 8 के करीब यूनियन टेरिटरीज मौजूद हैं। यानी उन्होंने लोगों का जो हक़ खुद इरादियत था उसको काफ़ी हद तक तस्लीम किया और बहुत से अपने मसाइल हल किए। लेकिन इसके साथ साथ जो मजहबी कौम परस्ती है, धार्मिक कौम परस्ती उसे कहें या हिंदुत्व कौम परस्ती है, वो भी गुंजाइश पकड़ रही थी। और यार लोग जिनका मैंने पहले जिक्र किया, कंजर्वेटिव या रुजत पसंदाना, वो अरसे से मेहनत कर रहे थे, और उसका हिंदू स्कॉलर्स या राइटर्स या हिस्टोरियंस के मुताबिक शुरू में कोई उसे चंद्रनाथ बासु ने कोई 1892 में पहली मरतबा हिंदुत्व की इस्तिलाह इस्तेमाल की। हिंदू महासभा कोई 1915 में बनी जो कि हिंदू ऑर्थोडॉक्स या ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म के हकूक का प्रचार करती थी, और वी डी सवारकर जो अब किसी सूफी और दानश्वर और गुरु से कम नहीं समझा जाता, उसने 1922 में लिखा हिंदुत्व हु इज़ अ हिंदू, और फिर एम एस गोलवाकर ने 1938 में इसको रीडिफाइन किया वी एंड आवर नेशनहुड डिफाइंड, जिसमें उन्होंने राष्ट्रिया उसको यानी कौम, और वो धार्मिक कौम या धर्मा पर मुश्तमिल कौम को अहमियत दी। और एम एस गोलवाकर के नज़दीक तीन अनासिर हिंदू मत, हिंदुत्व या हिंदू कौम पसंदी के लिए ज़रूरी थे। राष्ट्र यानी धर्म पर मबनी कौम परस्ती, जाति, जाति से यहाँ मुराद उसकी कौम है, वो जाति नहीं है जिसे हम उर्फ आम में यहाँ समझते हैं, भुट्टा है, लिगारी है, लिशारी है, उस्मानों में, और संस्कृति, संस्कृति से मुराद यहाँ ज़ुबान नहीं, सकाफत है। तो ये तीन अनासर उसने अहम करार दे दिए, और वीडी सवारकर के ख़्याल में उसने बड़ी दिलचस्प और इख्तराई तारीफ़ ढूंढ निकाली। उसके नज़दीक हिंदू वो है या हिंदुस्तानी वही है जिसकी पितृभूमि हिंदुस्तान हो या पुण्य भूमि हिंदुस्तान हो। पितृभूमि का मतलब है जिसके आबाओ अजदाद यहाँ पर रहते हों, सदियों से, हज़ारों साल से रहते हों। पुण्य भूमि का मतलब है या फिर उसका दीन, उसका मज़हब, उसका धर्म यहीं पर इजाद हुआ। अब ज़रा इसका सियासी इतलाक समझने की कोशिश कीजिए, कौन खारिज हो जाता है इस कौम पसंदी के तस्वर से? मुसलमान और मसीही, क्योंकि मुसलमान तो यहीं रहते थे, शायद सैकड़ों हज़ार आए होंगे कुछ, लेकिन चंद हज़ार आए होंगे, ज़्यादातर तो यहीं कन्वर्ट हुए, शूदर और अछूत या बहुत सारे और लोग यहाँ पर कन्वर्ट हुए।
क्रिश्चियन भी मतलब है कि यहीं रहते थे और वो मिशनरी दौर में कुछ गुरुओं की आशीर्वाद के साथ एक्टिव नहीं, इस पर भी मसीही दोस्त इख्तलाफ करते हैं। आशीर्वाद उनकी शामिल थी उसमें, काफ़ी सारे लाखों हज़ारों 2 करोड़ लोग कोई मसीही वहाँ पर रहते हैं, अगर 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं तो वहाँ पर वो कन्वर्ट हुए। अब ये भी खारिज हो गए, तो ये खारिज हो गए और बाकी सबको वो कहते थे कि ये हिंदू हैं या हिंदू मत का शाखसाना है या हिंदू मत की कोई और वर्शंस हैं, तो ये सब काबिल कबूल हैं। तो जब ये डेफिनेशन हुई तो मामला जो है वो बहुत ही तश्वीशनाक हो गया, ख़ास तौर पर मुसलमानों और मसीहियों के लिए। और उसमें फिर ये हुआ कि हिंदू राष्ट्र वतनियत हकूमत शहरियत का बुनियादी तस्वुर कायम हुई और फिर हमेशा की तरह तारीख ज़ेर इताब हो गई। तारीख ज़ेर इताब आती है दौड़ पीछे की तरफ है गर्दिश अयाम तू, तो उन्होंने जनाब फिर वेदांती तालीम, वेदांती साइंस, वेदांती रियाजी, वेदांती फलकियात और पता नहीं क्या कुछ नहीं किया कि जो भी इल्मी हवाले से, समाजी हवाले से, मुआशी हवाले से दुनिया में है वो हिंदुस्तान में था या है। वैसे इसमें हम भी पीछे नहीं हैं, वो साइंस हो, फलकियात हो, वो तारीख हो, समाजियात हो, डिजिटल साइंस हो, हम भी किसी ना किसी किताब से ढूंढ निकालते हैं, वहाँ से निकाला होगा, वहाँ से मुस्तार लिया होगा। कोई 5000 साल पहले ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्वेद उनकी मुकद्दस किताबें हैं, हाँ हाँ वेदांत उनको मतलब वेदा वगैरह कहते हैं, जो हिंदू मत के बुनियादी रूहानी असूल और जवाबित मरतब करते हैं, उन्हें वेद कहते हैं। तो अब उसका नतीजा यही हुआ कि फिर आज कुछ हमारे तरक्की पसंद रोशन ख्याल दोस्त नहीं मानते, सूरत हाल मौजूदा हिंदुस्तान की इंतहाई मुख्तलिफ है। उसमें आपको सुनकर हैरत होगी, सैकड़ों की तादाद में, दर्जनों नहीं, बीसियों नहीं, सैकड़ों की तादाद में मुस्लिम मुखालिफ गाने, तराने, नारे, वाक्यात सब मौजूद हैं। दो चार आपको सुनाता हूँ। मुसलमान के दो स्थान, पाकिस्तान या कब्रिस्तान, हिंदू का है हिंदुस्तान, मुल्लो जाओ पाकिस्तान, जो ना बोले जय श्री राम उसको। मैं उस तरफ मैं ख़त्म कर लूँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, मैं ख़त्म कर लूँ, मैं बहुत करीब हूँ खात्मे के। अच्छा प्लीज़ प्लीज़ दिस कंटिन्यू, या इट्स वर्किंग, हाउ लॉन्ग वुड इट वर्क कंटिन्यू, और दे लिस्टेड 15 केसेस एंड देर वर सम वीडियोस एंड सम फोटोग्राफ्स people, Muslims going around their business, going in a bazaar or some shopping or whatever, and suddenly some people catch them and accuse them of eating beef or of smuggling cattle to Pakistan or to Bangladesh, and hang them from the nearest tree or from the nearest building. 15 cases, and it is Hindustan Times is asking how long is this going to continue? सर दिस इज, ये दर्जनों और बीसियों की तादाद में वाक़ियात हैं, मैं उन वाक़ियात में नहीं जाता। उसका यकीनन नतीजा था कि आप सिटीज़नशिप को या शहरियत को डिफ़ाइन करें, मैं ख़त्म करता हूँ। तो फिर क्या हुआ, 2019 में हम देखते हैं कि सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट और नेशनल रजिस्ट्री, नेशनल सिटीजन रजिस्ट्री 2019 में मुतारिफ करवाए। जब सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट आया और नेशनल सिटीज़न रजिस्ट्री आई 2019 में, जो कि बहुत मुतनाज़ा है, पूरी दुनिया का मीडिया भी इसको कैच करता है, पाकिस्तानी मीडिया बड़ा खुशी खुशी उसका जिक्र करता है। उसकी दो कोशिशें थी, बिलखसूस बिहार में, जो बिहार में उस वक्त जो तशद्दुद बपा था वो लोग बांग्लादेश से वहाँ आए थे, या पहले आते जाते रहे थे, या म्यांमार से आए थे, या किसी और जगह आए थे, या बाद सूरतों में पाकिस्तान में, क्योंकि शुरू में कोई 2-3 दहाइयाँ मुसलमान यहाँ से वहाँ
और हिंदू यहाँ से वहाँ ज़्यादा और इसका मुतजाद केस कम है, आते जाते रहे, तो उन्होंने दोबारा तश्कील शुरू की ताकि मुसलमानों का रफ्ता रफ्ता इनखला किया जाए। उसी के साथ ये कहा कि जो बांग्लादेश, पाकिस्तान या लेट्स से हिंदुस्तान या श्रीलंका या बांग्लादेश से अगर कोई हिंदू आना चाहते हैं तो उनको नेचुरलाइज करने में उन्होंने एक्सपीडाइट किया ताकि मुसलमानों की तादाद को या मसीहों की तादाद को कम से कम किया जाए और हिंदू राष्ट्र तश्कील दी जा सके। यानी ये एक तलवार जो है ना वो दो तरह से काट रही थी, बुला भी रहे थे भगा भी रहे थे ताकि हिंदू राष्ट्रीय जो है वो अक्सरियत में आ जाए। उसमें फिर लव जिहाद हैं, गांव रक्षक हैं, गांव रक्षक के बाकायदा बैंड बने हुए हैं, वो बहुत मुनज़्ज़म हैं, वो इस बात पर नज़र रखते हैं। यानी गांव गाय का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है, खैर मैं इसका एहतराम करता हूँ अगर वो उसको मुकद्दस समझते हैं, लेकिन इंसानी जान कीमती नहीं है उनकी राय में। फिर उसमें लव जिहाद और पता नहीं किस किस तरह की बातें आती रहीं। हिंदुस्तान में मुसलमान इस वक्त या मुसलमानों का जेनोसाइड इंतहाई करीब है, अल्लाह माफ़ करे मुझे तीन मरतबा, लेकिन जेनोसाइड के जो 8-10 मराहिल होते हैं उसमें काफ़ी सारे मराहिल की तकमील हो चुकी है खुदा ना खास्ता, और ये स्लो जेनोसाइड जो है यहाँ पर जारी है। अब चूंकि हिंदुत्व लिबरल सेकुलर और मशमूलाती या मुतनव्वे कौमियत के ख़िलाफ़ है तो इसलिए तरह तरह की शरहात घड़ के ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि हिंदू मत तो नाम ही तनव्वो और शमूलियत का है, हिंदुत्व तो नाम ही तनव्वो और शमूलियत का है, लिहाजा हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्रीय, सेकुलरिज्म और लिबरलिज्म में कोई तजाद नहीं है। वैसे हम भी यही कहते हैं, हमने उनको हकूक़ दिए हुए हैं, हमने मसीहों को तमाम, हमने हिंदुओं को तमाम हकूक़ दिए हुए हैं। अक्सरियती लोग, भाई तुम कौन हो हकूक़ देने वाले या हकूक़ देने लेने वाले या हकूक़ फराहम करने वाले? इंसानी हकूक़ की तारीफ़ के मुताबिक हर इंसान के हकूक़ मुतय्यन हो जाते हैं बहसियत इंसान के, इससे नहीं होते रियासत या हुकूमत किसकी है, उससे भी नहीं होते कि उसका दीन धर्म क्या है। इंसान होने के नाते वो इंसानी हकूक़ का हामिल है, तो हम भी कमोबेश। बहरहाल, तो बीजेपी और आरएसएस जो है ना वो एक तरह से मिथिकल या इमेजिनरी हिंदू राष्ट्रीय की कोशिश कर रहे हैं, या जहाँ भी इस तरह का नेशनलिज्म होता है वो बड़ी हद तक इमेजिनरी या मैथोलॉजिकल होता है। यानी मजहबी जो कौमियत पसंदी है या मजहबी कौमियत परस्ती है या मजहबी कौमियत पसंदी को जब भी आप तश्कील देने की या रिवाज देने की कोशिश करेंगे, वो चाहे मुसलमान हों, वो हिंदू हों, वो बुद्धिस्ट हों, म्यांमार में हमने देखा है, वो हमारे अरब ममालिक हों, तो उसमें मिथ दास्तान गरी उसमें शामिल होती है। पाकिस्तान में अब तारीखी और कौमियती मसाइल, अब देखिए हालिया इंतखाबात में वो उसका एक इस्तारा मैं कहूँगा है, उसमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हो, मजलिस वादतुल मुस्लिमीन हो, जमीयत उलमा इस्लाम हो, जमात इस्लामी हो, लबैक हो, या जितनी भी इस मजहबी सियासी जमाते हैं, उनको पाकिस्तानी कौम ने ना पहले कभी वोट दिया है ना अब दिया है, बल्कि उनकी सीटें पहले से काफ़ी कम हो गई हैं और ना मुस्तकबिल में देखते हैं। ये रियासत की तरफ से ऊपर से मुसल्लत करदा शनाख्त है जिस पर हम ज़ोर देते हैं। अगर लोग इस कदर, यानी दीन जो है वो चाहे हिंदुस्तान में हो पाकिस्तान में हो, वो लोगों का हक है, वो तमाम लोगों का कोई अकीदा होता है, उनको उसकी इबादत करने का हक हासिल है और होना चाहिए। रियासत को इससे हट जाना चाहिए, इससे कौमियत को, मैं थोड़ा आगे बढ़ गया हूँ, या कौमी सलमियत को या उस मुल्क की बका, नशोनुमा और तरक्की को कोई ख़तरा नहीं है, ये साबित है दुनिया में, लेकिन हम फिर भी उस पर मुसर हैं। और दूसरा जो मुनकसिम मैंडेट हमारी, एक तो मैंने मजहबी हवाले से कहा, जुज़वी तौर पर पार्टी पोजीशन को अगर हम देखें तो हमें ये लगता है कि इसमें मसलन पीपल्स पार्टी सिंध में बड़ी हद तक, पीटीआई
खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी हद तक, किसी हद तक चलो मुस्लिम लीग कम अज़ कम वस्ती पंजाब में, तो इसमें लिसानी कौमीजियती रुझानात भी हैं कि कम अज़ कम गुज़श्ता 55 सालों में कोई एक बहुत बड़ी वाज़े अक्सरियत वाली बशमूल PTI के कह रहा हूँ जमात बनकर नहीं उभरी। यानी लोग समझते हैं कि उनकी ही पार्टी उनके मामलात और मसाइल हल करने का ज़रिया बन सकती है और उनके बुनियादी सेहत तालीम और तरक्याती इकदामात कर सकती है। अच्छा, इसी के नतीजे में हम ये मैंने कहा ना ऊपर से मुसलत करदा जो मजहबी इस्लामी शनाख्त है कि लोग उनको वोट नहीं देते, लेकिन उनका जो खौफ व हिरासियत है वो बड़ी हद तक है, और जिसके नतीजे में हमने शांतिनगर का सानहा देखा, जनावाला का सानहा देखा, सरगोधा में कशीदा रही सूरत हाल, लेकिन खैर आप तारिक को पता है मामला रफा दफा हो गया। यूहन्नाबाद लाहौर में हमने एक मुसलमानों को चढ़ डालो मार डालो, उसने कहा ये कहा किसने कहा क्या कहा, और इसमें कई लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया है, मारा गया है, उनके घरों को जलाया गया है, मिसमार किया गया है, और वो वही मजहबी मामला। और आजकल फिर ये हम सबको पता है कि मोहतरम जनाब चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ से इस सवाल की एक वो शरारत शुरू करने की कोशिश की गई है, हमारा ख्याल है, जो कि हकायक के मुनाफी है। हमने देखा है कि वो फैसला भी वो ऐसी उसमें कोई बात नहीं है। अच्छा, ये नहीं है फिर हमारे अंदर, यानी राष्ट्रीय में तो मुझे खैर नहीं मालूम कि उनके अंदर किस कदर मुतशद्दिद इख्तलाफात हैं, हमारे तो अंदर मुतशद्दिद इख्तलाफात हैं, शिया सुन्नी वहाबी लहाबी फलाना काफिर फलाना मुशरिक, उसको मारो इसको मारो, वो वाजिबुल कत्ल है ये वाजिबुल कत्ल है, वो शायद अपने खिलाफ नहीं है, हम तो अपने ही खिलाफ हैं ना, इसलिए हमारा कोई पुरसान हाल ही नहीं है, मुआशी समाजी सियासी हवाले से हम कई गुना ज़्यादा पीछे हैं, उसकी वजह यही है। हो सकता है वो मुस्लिम मुखालिफ हों, हो सकता है वो मसीह मुखालिफ हों, लेकिन शायद अपने खिलाफ नहीं है, हम तो अपने खिलाफ हैं ना, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। और ये बात अब तस्लीम कर लेनी चाहिए रियासती इदारों को और सियासतदानों को कि पाकिस्तान एक कसीर कौमी, कसीर लिसानी और कसीर मजहबी मुल्क है, और जब हम इस हकीकत का इनकार करते हैं तो सूबाई और कौमी अदम मसावात और कौमियती जबर जगह पाता है, जिसके नतीजे में बलूचिस्तान जैसी सूरत हाल पैदा होती है। अदम मसावात और पसमानदी के लिहाज से हम अगर देखें सिंध या सिंधी सरायकी खित्ता और बलूचिस्तान में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बाकी तीन कौमियतें पाकिस्तान बनने से पहले भी ज़रा आगे थी, पाकिस्तान बनने के बाद वो सिलसिला मुसलसल जारी रहा, किसी ने ये देखने समझने की कोशिश नहीं की। इस सिलसिले में मैं ज़िक्र करता चाहूँ एक बहुत ही नागुज़ीर और ख़ूबसूरत किताब है जो प्रोफेसर अज़ीज़ुद्दीन अहमद की है, क्या हम इकट्ठे रह सकते हैं, 1988 में वो किताब छपी, और उसके वो जिन नताएज और पर प्रोफेसर साहब पहुँचे और जिन मसाइल तक पहुँचे वो आज भी वही हैं। यानी कोई जिसे कहें कि 35 साल बाद आज भी हमने वो मसला हल नहीं किया, वो एक आंखें खोल देने वाली है। मैं इसलिए उस तफसीलात में नहीं जाता, यहाँ बहुत अफेंडिंग हो जाएगा कि हमारी कौमियती अदम मसावात और कौमियती अदम मसावात की पॉलिसियाँ और कौमियती अदम मसावात के हरबे और तरीके क्या रहे हैं, इसलिए हमारी ये सूरत हाल है। मसला ये नहीं है फलाना 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 अलहदगी पर, ऐसी सूरत हाल नहीं है। असल जो ग्रीवेंस होती है वो तरक्की की, खुशहाली की, मसावात की और ऑनर यानी डिग्निटी, उसको इज़्ज़त दी जाए और उनको बराबर शामिल किया जाए, यही थे यही हैं, और अगर हमने इनको हल ना किया तो हम ज़्यादा मुश्किलात से दोचार होंगे। बंगाल और बांग्लादेश मैं बस ख़त्म करने लगा हूँ, उसमें भी असल सबब हिंदू असर सुख ना था और ना ही इतनी ज़्यादा बैरूनी मुदाखलत थी, मैं बिल्कुल रद्द नहीं कर रहा, मुक्ति बाहिनी थी और ये क्योंकि ग्रेट गेम का पाकिस्तान हमेशा हिस्सा या शिकार रहा है, उस वक्त भी रूस और चीन और USA के अपने अपने रूट्स और इख्तलाफात थे, और वो जंग बांग्लादेश हैपन टू बिकम अ बैटल ग्राउंड, फाइन,
बट दैट वॉज द मे नॉट द मेजर काज. वो बड़ी वजह नहीं थी, बड़ी वजह यही थी बांग्लादेश, बांग्लादेशी कौम, बांग्लादेशी वसाइल, उनका इस्तेसाल करना, बिलखसूस 1955 में वन यूनिट बनने के बाद. तो उसका नतीजा यही निकला कि 1971 में बांग्लादेश अलग हो गया, क्योंकि जबरन ज़बरदस्ती, चाहे वो आप उसे गैर मार्शल रेस का नाम दें, कुछ भी कहें, बातें बहुत हैं. बहरहाल उसका सबब भी बिल्कुल यही था, और बड़ा सबब यही था, कौमीयती अदम मसावात और मुआशी या इक्तसादी इस्तेसाल और ना बराबरी. और यही मसला जो है वो आज भी है कि ये अदम मसावात का जो हम शिकार हैं, और उसमें सियासी अदम मसावात का शिकार हैं, मुआशी अदम मसावात का शिकार हैं, क्योंकि हम दुनिया के शायद चंद या मेरा ख्याल है वाहिद कौम है जो तारीख़ से नहीं सीखते, और हमें नहीं पता कि तारीख से कैसे सीखा जाता, या तारीख कुछ सिखाती भी है या नहीं सिखाती. कौमियत पसंदी का मैं बात को ख़त्म करते हुए कहूँगा, जदीद और मुस्तकबिल पसंद तसव्वुर जो है वो इंतहाई मुनफरिद है. वो ये कहता है कि लोग रज़ाकाराना या खुशी खुशी अपनी तमदनी, तहजीबी या मसावी शहरियत, मसावी कौमियत पर मबनी समाजी और तरक्याती शऊर, बाहिमी इश्तराक और शमूलियत पर मबनी होना चाहिए. ये बहुत सी असलाहत मैंने इस्तेमाल किए हैं, वक्त नहीं है इतना. यानी लोग अपनी शनाख्त पर समझौता नहीं करते, नहीं करना चाहते. वो क्यूबेक कनाडा में भी जारी है, वो बलकान में भी जारी है, वो बाल्टिक रियासतों में भी जारी है, वो स्पेन में भी इस वक्त जारी है. और ये नहीं ख़त्म होता, लोग चाहे तरक्की पजीर हैं या तरक्की याफ्ता हैं, लोग अपनी लिसानी और समाजी और तारीखी शनाख्त को बहुत अजीज़ रखते हैं, वो बहुत करीब होते हैं उनके. आप इसे नहीं ख़त्म कर सकते, चाहे वो तरक्की पजीर हों या तरक्की याफ्ता हों, चाहे वो गैर तालीम याफ्ता हों या तालीम याफ्ता हों. और कौमियत का ये जदीद तस्वुर जो है कसीर कौमियत, कसीर लिसानियत और कसीर मजहबियत को तस्लीम करता है. और इसमें तादाद भी ज़्यादा अहम नहीं होती, 3% है, 5% है, 10% है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ती. दरअसल आपकी वो जो अकलियत है, मैं अक्सर इसका ज़िक्र करता हूँ, अकलियत की अपनी शनाख्त, उनके वजूद, उनकी ज़रूरियात और मसाइल के लिए दुरुस्त है, मगर वो अक्सरियत के लिए बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंटलाइज करती है डाइवर्सिटी को, इंक्लूजन को, इक्वलिटी को, इंक्लूसिव डेमोक्रेसी को, या सोशल डेमोक्रेसी को, या सोशल जस्टिस वगैरह को. कुछ नौजवान जो हैं वो जदीद तालीम याफ्ता हैं, मेरे अल्फाज उनके लिए शायद मुश्किल हो समझना. बहरहाल ऐसी कौमियत पसंदी में मुश्तरका तारीख, मुश्तरका शऊर और मुश्तरका मफादात को आगे बढ़ने और बढ़ाने का जज्बा होता है और होना चाहिए. फ़िलहाल तक सियासी, समाजी और मुआशी माहरीन या तजर्बात इसके अलावा कोई हल नहीं निकाल सके जो मैंने आपके सामने रखा है कौमियती शनाख्त के हवाले से और कौमी या कौमियती तरक्की के हवाले से. और अगर यही तरीक़ाकार बल्कि फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे तो पाकिस्तान इससे खुशहाल होगा और तरक्की की रविश पर, बल्कि शाहरा पर गामजन होगा या हो सकता है. बहुत शुक्रिया आप लोगों का. बहुत शुक्रिया सर. इसमें एक चीज़ मैं थोड़ी सी ऐड करना चाह रहा था, एक इन्फॉर्मेशन और एक सवाल भी था, कि जैसे कि आपने कानून साजी के हवाले से बात की कि किस तरह हिंदुस्तान के अंदर या पाकिस्तान के अंदर जो कानून साजियाँ वगैरह हुई, तो इसमें एक दो किस्म के कानून है, एक तो पाकिस्तान में और एक हिंदुस्तान में है. एक को शेड्यूल 4 का नाम दिया जाता है, एक को शेड्यूल 6 का नाम दिया जाता है. पाकिस्तान के अंदर शेड्यूल 4 एक ऐसा कानून है जिसके ज़रिए या तो ज़बान बंदी की जाती है या तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जाती है, जबकि हिंदुस्तान के अंदर एक कानून है जिसको शेड्यूल 6 कहा जाता है, जिसके ज़रिए उन्होंने आइन साजी के ज़रिए त्रिपुरा, असम जैसे मुख्तलिप खुद मुख्तार ज़िली कौंसलें बनाई, रियासतें बनाई, जहाँ पे उनको अपने तौर तरीके, अपने जो कबायली रवायात जो या जो उनकी आइडेंटिटी थी उसके मुताबिक उनको उनका एक वो उनको प्रिजर्व किया गया या उनको रहने की इजाज़त दी गई.
जबकि हमारे यहाँ शेड्यूल फोर है, और शेड्यूल फोर एक ऐसा कानून है कि मैं जिस खित्ते से हूँ गिलगित बल्तिस्तान से, हमारे यहाँ कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होता है तो उसके ऊपर शेड्यूल फोर लगा के ये साबित करने की कोशिश की जाती है कि ये रियासत मुखालिफ है जो अपने उनकी बात करते हैं। तो ये जो एक फ़र्क है हमें, मतलब हम जब डिस्कस करते हैं कि ये चीज़ें हैं, तो वहाँ पर हमें जो दूसरी साइड की जो पॉजिटिव चीज़ें हैं हमें उनको भी डिस्कस करना चाहिए। और हम जो आगे नहीं बढ़ सके, हमने ऐसी कोई कानून साजी नहीं की, आज हम आपस में लड़ रहे हैं और आपस में जो इंतशार है वो बेसिकली आइडेंटिटी क्राइसिस का एक शिकार है। मिसाल के तौर पर मेरे लिए कि मैं एक ऐसे खित्ते से हूँ जिसकी आइडेंटिटी को तस्लीम ही नहीं किया जाता, ना तो उसको यहाँ शामिल किया जाता है, ना तो गिलगित बल्तिस्तान से, ना तो उसको डिस्प्यूटेड माना जाता है। तो ये जो एक आइडेंटिटी क्राइसिस हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी रखा होता है कि जब चाहे आप अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक आप उसको कॉन्स्टिट्यूशन में कह दें कि हमने शामिल किया हुआ है, जब चाहे आप उसको कह दें कि नहीं आप तो कॉन्स्टिट्यूशनल हैं ही नहीं। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन वाइज जो कानून साजी की हद तक जो हमने जो ये सारी पेचीदगियाँ जो रखी हुई है, आपका सवाल वाज़े हो गया। मैं कुछ ज़्यादा सवाल लेकर ना फिर एक ही बार जवाब दूंगा। जी सर, सफदर साहब हैं और हुमायूं साहब हैं। शुक्रिया अमजद साहब। जैसे कि हाँ कराएं लोगों को, मुझे नहीं अपना, लोगों को तारफ कराएं। आप कर रहे हैं? हाँ अमजद साहब, मेरा नाम खालिद है, मैं HRCP एक्टिविस्ट हूँ। आपसे सवाल मेरा ये है कि जैसे कि नेशनलिज्म पढ़ने में आता है कि ये एक रिक्वायरमेंट है कैपिटलिस्ट दुनिया के लिए, यानी एक नेशन जो अपने लिए कैपिटलिज्म में जब वो इंटर हुआ तो उसको अपनी जो है ना मार्केट्स चाहिए थी, अपने प्रोडक्शन को, अपने प्रोडक्ट्स को वहाँ पर लॉन्च करने के लिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे कैपिटलिज्म आगे बढ़ता गया, उसने फिर वो जो नौआबादियात वाला मरहला आता है तो उसने मार्केट्स अचीवमेंट के लिए दुनिया पर कब्ज़ा करना शुरू किया। इफ़ आई एम क्लियरिंग माई सेल्फ, अब मसला ये है कि चूँकि बाय द वर्च्यू ऑफ डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड दुनिया कैपिटलिज्म के उस मरहले में तो यकीनन दाखिल हो गई है जिसमें कंसोर्शियम का मरहला आता है, जिसमें एक्युमुलेशन ऑफ अ वेल्थ होती है। कैपिटलिज्म इतना शयू कर चुका है, इसके लिए मिसाल ये दी जाती है कि देखें इस वक्त सारी दुनिया में कैपिटल या सरमाए ने अपनी सरहदें तो बिल्कुल ख़त्म कर दी हैं ना। अगर आपके पास 30 करोड़ अमेरिकन डॉलर है तो यू कैन टेक नेशनलिस्ट अचीवमेंट कहीं पर भी दुनिया के किसी भी खिते में। मतलब वो जो सरमाए के लिए सरहदें होती हैं वो तो यकीनन ख़त्म हो गई हैं और हम वाज़े तौर पर देख भी पा रहे हैं। आप इस बैकग्राउंड को देखते हुए आने वाले दिनों में नेशनलिज्म का फ्यूचर ग्लोबलाइजेशन के नुक्ते नज़र से कैसा देख रहे हैं, ये मेरा एक सवाल है। दूसरा सवाल रीजनल मैं करना चाह रहा था, अगर आप इजाज़त दें ये क्विकली। जी, जिस तरह के हम देख रहे हैं या हम पढ़ भी रहे हैं, बर सगीर की तकसीम मुकम्मल तौर पर अननेचुरल हुई है। इस अननेचुरल तकसीम ही की वजह से इंसानी ज़िंदगी में उस किस्म के तगैरात देखनी पड़ रही हैं जो कि बड़ी हद तक साइंटिफिक नहीं है। मतलब आप हिंदुस्तान जैसे मुल्क में जो कि बड़ी हद तक पार्लिमानी निज़ाम के साथ चलता रहा, जैसे आपने ख़ुद भी कहा कि 1990 तक बड़े अच्छे तरीके से एक सेकुलरिज्म वहाँ पर था, लेकिन इस सेकुलरिज्म के होते हुए और इतनी ज़्यादा सफ़र तय करने के बावजूद हम हिंदुस्तान जैसे माशरे को एक मजहबी इंतहा पसंदी की तरफ जाते हुए देख रहे हैं जो कि यकीनन एक माशरे के अंदर नेगेटिव है। अच्छा, ये मुझसे ज़्यादा आपको पता होगा कि ये सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मनिज्म की वजह से है जो कि हिंदुस्तान के नॉर्थ में वजूद रखती है, जिसको हम गंगा जमुना सिविलाइजेशन कहते हैं, लेकिन डार्विन और साउथर्न में तो ये चीज़ वजूद ही नहीं रखती है। वहाँ के लोग तो बल्कि अब इस तरह कहते हैं जैसे हम पाकिस्तान में कहते हैं कि हम एक ख़ास नेशन के अंडर हैं, तीन और जो कौमें हैं वो ये कहती हैं कि वी आर कॉलोनीज ऑफ समवन,
डैश 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 मैं नाम लेना चाहता हूँ, आप समझ गए होंगे। लेकिन हिंदुस्तान में भी ये है कि वो ये समझते हैं कि जी हम नॉर्थ के वो है, तो आप कैसा देख रहे हैं ये फ्यूचर? थैंक यू। वन मोर क्वेश्चन देन आई विल आंसर। जी, मेरा नाम सफदर चौधरी है, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद चैप्टर से मेंबर हूँ, और राह निजात मिनिस्ट्री एक ऑर्गेनाइजेशन है उसका चेयरमैन हूँ, और प्रिजनर राइट्स और माइनॉरिटी राइट्स पे काम करते हैं। सर, चूँकि बात किसी मुल्क की नहीं हो रही और हम एशियन कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की मैं थोड़ी सी बात करूँगा। उस पर एक सवाल है मेरा, हिंदुस्तान में जैसे मुसलमान और मसीही सफ़र कर रहे हैं, और पाकिस्तान में मसीही और हिंदू और दीगर जो अकलियतें हैं वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही हैं, तो आप क्या समझते हैं यूरोप ने इन सब चीज़ों को पसे पुश्त डाल के तरक्की की? उन्होंने इन सब चीज़ों को बिल्कुल डाउन कर दिया और नेशनलिज्म और ह्यूमन राइट्स को परवान चढ़ाया, और आज वो बहुत ज़्यादा आगे हैं। तो क्या आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में हिंदुस्तान और पाकिस्तान उस तरह का मॉडल जो है वो अपनाने की कुव्वत रखता है कि यहाँ पर भी ह्यूमन राइट्स जो है वो परवान चढ़ें और जो अकलियतें हैं हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में वो अपने आप को महफूज तसव्वुर करें? थैंक यू। मैं चलें, ये काफ़ी मुश्किल या पेचीदा सवाल है। अच्छा चलो, मैं इन पर बात कर लूँ फिर आपकी तरफ आते हैं। देखिए, मैंने ज़िक्र किया ना कि हिंदुस्तान ने अपनी तारीख से सीखा है, आपने कहा था, और शेड्यूल 4 और 6 का ज़िक्र किया है, आसाम का आपने ज़िक्र किया है। लेकिन आसाम में 1990 के दहाई में ये भी हुआ कि वाजपेयी की खाक को उन्होंने आसाम के दरियाओं में नहीं बहाने दिया कि जी हमारे अकीदे के ख़िलाफ़ है। और ये आपको मालूम होगा कि जो शुमाल मशरक़ी हिंदुस्तान है वो ज़्यादातर क्रिश्चियन हैं, कुछ मुसलमान भी हैं लेकिन ज़्यादातर क्रिश्चियन हैं, और वहाँ ये सारी बातें होती रही हैं जुदागाना तशख़्ुस की, अलहदगी की, शायद अब भी हो रही हों, मेरा ये दायरा कार या मौजू नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान ने सीखा है और बेहतर कौमें सीखती हैं और आज़ादी फ़िक्र इजहार का तहफ़ करती हैं, उनका राष्ट्रीय और जाति और संस्कृति भी बहरहाल इस हवाले से तो है कि सबको शामिल किया जाए, लेकिन शायद उस नहज तक अभी नहीं पहुँचे जहाँ तक हम हैं। गिलगित बल्तिस्तान का मसला पेचीदा है, यानी उसकी कहने के उसकी रियासती तरकीब और शनाख्त और माजी और कश्मीर पर दो तरफ़ा दावे ने इसको काफ़ी पेचीदा बनाया हुआ है कि अगर वो उसको सूबाई शक्ल दे दी जाए और वहाँ पर उन्होंने आर्टिकल 370 है तो फिर उसकी जो मुतहिदा या मुश्तरक शनाख्त और फिर अलहदा अलहदा शनाख्त और अलहदा अलहदा तकाजे और दावे रहे हैं उसमें काफ़ी मसला होगा। यानी पाकिस्तान का ये दावा कि आर्टिकल 370 जो है वो उनके बुनियादी शनाख्त और तशख़्ुस या जो जिस बुनियाद पर मुआहदा हुआ था उसके ख़िलाफ़ वर्जी है, उनका ये दावा कि ये भी कश्मीर का हिस्सा है। बाकी इसके पहलू, इसके इतलाकात आप मुझसे बेहतर समझते हैं क्योंकि आपका ताल्लुक गिलगित से है। नेशनलिज़म, खालिद साहब ने जो सवाल किया था, हो सकता है कि सरमाए की ज़रूरत हो, लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि नेशनलिज़म से कहीं ज़्यादा सरमाए को मार्केट से ताल्लुक़ होता है, और ये इस कदर इसकी सरमाए की रेशा दवानियाँ इस कदर तूल तवील और गहरी हैं कि एक जगह पर कहीं ये नेशनलिज़म को फ़रोग दे रहा होता है, किसी दूसरी जगह पर एंटी नेशनलिज़म को फ़रोग दे रहा होता है, किसी एक जगह पर किसी एक ज़ुबान को और दूसरे मुल्क में किसी दूसरी चीज़ को फ़रोग दे रहा होता है। यानी ये कहने में कोई गलत नहीं है, वहाँ पर कोक और पेप्सी हिंदुस्तान में हिंदुत्व और राष्ट्रीय को फ़रोग दे रहे होंगे, और ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान में कोक और पेप्सी इस्लामी तराने, इस्लामी झंडे, इस्लामी रंग उसको इस्तेमाल कर रहे हों। तो ये मुख्तसर जवाब है, सरमाया जो है वो बड़ा शफाक है और अय्यार है। अच्छा, अब मार्केट का हसूल,
अगर मैं तारीखी तनाजुर में कहूँ, नहीं, इन यानी इन नौ आबादियात इलाकों और ख़त्ों और मुल्कों पर कब्ज़ा करके उन्होंने अपनी मार्केट डेवलप की, मार्केट नहीं कैप्चर की बल्कि उस पर मार्केट उन्होंने डेवलप की और उसके ऊपर सारी मैकानियाती कहें, असनती तरक्की, वो सब उसकी बुनियाद ही सस्ते दामों ना सिर्फ खाम माल था बल्कि उन इलाकों की मईशत को तबाह करके उन्होंने अपनी मईशत डेवलप की। और अब भी यही सूरत हाल है, ये जो बहुत सारे बैन अल-अक़वामी मालियाती इदारे हैं ये मग़रबी दुनिया के गुमाश्ते हैं, माज़रत के साथ, ये अब भी वही किरदार अदा कर रहे हैं जिसे हम जदीद नौ आबादियाती दौर कहते हैं। जदीद नौ आबादियाती दौर में इनका किरदार कोई बहुत ज़्यादा तब्दील नहीं हुआ, ये वहाँ बैठे हुए नहीं हैं, लेकिन अभी देखें पाकिस्तान 22 मरतबा, सर कौन मज़र साहब आप जानते होंगे, 22वीं मरतबा IMF के पास गया, 22 टाइम्स, यार कैन यू इमेजिन, वी कुड नॉट कम आउट। इसमें हमारे भी मसाइल हैं क्योंकि वो आतिफ उनका नाम है जो भी है, जो गैर जानबदारना मईशत दान कहते हैं, वो कहते हैं कर्ज़े तो मईशत तो चलती ही कर्ज़ों पर है, असल उसका इस्तेमाल है, मैं मईशत दान नहीं हूँ, दोनों बातें शामिल हैं, मेरी राय ये है। और फिर आपने नेशनलिज्म और सेकुलरिज्म, हाँ ये आखिर में हाँ आपने एक बात दोबारा कहें क्विकली जो आपने कहा, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज के ऊपर ज़ुल्म हो रहा है यूरोप ने वो बंद कर दिया, नहीं बंद किया, हाँ ठीक है मैं समझ गया, मुझे याद आ गया, ये क्योंकि मैंने कहा कि इंतहाई फ्लूइड और कंट्राडिक्टरी तस्वुर है, ये हमेशा अपना रंग बदलता रहता है। पहले मैं अपनी बात करता हूँ फिर उधर जाता हूँ, आपको शायद ये सुनकर हैरत होगी कि 1990 के बाद में बांग्लादेश में बंगाली इस्लामिक नेशनलिज्म का दौर दौरा है और बहुत ज़्यादा है, वहाँ आज़ादी फ़िक्र इजहार पर पाबंदी है, वहाँ कई लोगों को खंजर तले यानी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है, आज़ादी फ़िक्र इजहार यानी मज़हबी आज़ादी फ़िक्र इजहार या कोई एतराज़ करने पर, वही बांग्लादेश जिसने लिसानी और कौमियती खुद अख्तियारियत की बुनियाद पर उन्होंने आज़ादी ली, आज फिर उसी दहाने पर ठहरा हुआ है। अब यूरोप की तरफ, फ्रांस, किसी हद तक बरतानिया, किसी हद तक अमरीका, किसी हद तक डेनमार्क और हद तक कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ यानी स्वीडन में भी ऐसे वाक़ियात हुए हैं, मुस्लिम मुखालिफ और इमिग्रेशन पोस्ट, वहाँ का जो दायां बाजू है वो दो चीज़ों से डिफाइन होता है, एंटी मुस्लिम एंड एंटी इमिग्रेंट्स, या एंटी इमिग्रेंट्स कहें उसमें सब शामिल हो जाते हैं। तो वो एक तो ये कि दूसरे मुल्कों और ख़त्ों पर इतराज़ात उठाते हैं लेकिन वहाँ पर नस्ल परस्ती भी है, और वहाँ पर जब उन्हें महसूस होता है उनके दाएँ बाजू के लोग फ्रांस में, जर्मनी में, फ्रांस में मेरा ख्याल लापेन वगैरह, वो रफ्ता रफ्ता ये लहर फिर आ रही है। हाँ मैं इससे मुकम्मल इत्तफाक करता हूँ, अपनी डिग्री या एक्सटेंट जिसे कहते हैं उसकी उसकी अपनी तूलो तवालत में या असर सूख में वो इतना गहरा, इतना नुकसानदेह, इतना सफाक नहीं है जैसे हम हैं, क्योंकि वहाँ बहरहाल जमहूरियत है, वहाँ कानून साजी है, वहाँ इंसानी हकूक, इंसानी मसावात, आज़ादी फ़िक्र इजहार, उनके लिए मुश्किल हो जाता है उसको जस्टिफाई करना, क्योंकि जसिंडा आर्डन ने न्यूयॉर्क में जब एक न्यूज़ीलैंड में जब एक मस्जिद पर हमला किया गया था तो उसने कहा दे आर अस यू आर नाट, मर्डर को कहा था। तो ये थोड़ा इसकी वेरिएशन है। और मुझे क्विकली जिक्र कर दीजिए जो कुछ ईरान में हुआ हुआ या हो रहा है, इराक में, शाम में, मिस्र में, आजकल जो गजा में हो रहा है, कौन कर रहा है। तीन मरतबा अमेरिका बहादुर ने वीटो की है जंग बंदी की करारदाद को गुज़श्ता 3 महीने के अंदर। तो इसको वसी तर तनाजुर में समझने की ज़रूरत है कि ये हो क्या रहा है, और न सिर्फ हमें इनफरादी तौर पर हमारी मुल्कों और रियासतों को भी समझने की ज़रूरत है। मगर इनके पास वसाइल ही नहीं है तो ये बराबरी की बुनियाद पर क्या उनसे मुज़ाकरात या बातचीत करेंगे, क्योंकि नाइवेटी है ना, और नाइवेटी आपकी सबसे बड़ी नाइवेटी आपकी इकोनॉमिक नाइवेटी होती है। जी बेटा Assalamualaikum sir, my name is Ania, I am from Chitral. Sir, my question is sir, nationalism
की जो बुनियाद होती है वो एथनोसेंट्रिक टेंडेंसीज पे होती है सर, द कॉन्सेप्ट ऑफ मे, तो सर कॉन्सेप्ट ऑफ मे कि हम, ठीक है सर, और मतलब वी आर, मतलब जनरली तब भी सब कॉन्टिनेंट में भी और अब भी लाइक वी आर टू डाइवर्स टू बिलीव इन वन आइडियोलॉजी, तो वी आर टू डाइवर्स टू बिलीव इन वन आइडियोलॉजी, तो सर वहाँ पे नेशनलिज्म आया तो वो मतलब कैसे आया सर? और दूसरी बात वहाँ पे मुझे, वहाँ से मुराद सब कॉन्टिनेंट में, सब कॉन्टिनेंट मतलब जब डिवाइड नहीं हुआ था सर पाकिस्तान और इंडिया सर. द सेकंड पार्ट ऑफ माय क्वेश्चन इज सर कि क्या आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान और इंडिया आर द प्रोडक्ट ऑफ कोल्ड वॉर, क्योंकि मतलब प्रोडक्ट ऑफ कोल्ड वॉर, और वहाँ पे सर ये नेशनलिज्म को मतलब कैपिटलिस्ट, सर खालिद ने कहा कि सर कैपिटलिस्ट जो थे सर वो इस बात से डरते थे कि नेहरू वॉज प्रो रशियन, और तब भी मतलब एक वो चल रहा था कि मतलब नेहरू वॉज कोर्स यस सर प्रो रशियन, मतलब कम्युनिस्ट प्रो रशियन, ठीक है सर. एंड तब भी मतलब कैपिटलिस्ट के अंदर ये डर था कि सर कहीं मतलब कंटेनमेंट की जो उनकी वो चल रही थी सर, कम्युनिस्ट कम्युनिज्म की जो कंटेनमेंट की जो टैक्टिक्स चल रहे थे, सो पाकिस्तान एंड इंडिया आर रिजल्ट ऑफ देट, और पाकिस्तान को एक सैटेलाइट स्टेट बनाया गया, तो तब भी मतलब नेशनलिज्म जो था उसको यूज़ करके मतलब पाकिस्तान और इंडिया बनाया गया था, और हम पाकिस्तान को बनने के बाद इंसेप्शन के बाद फिर मतलब इकोनॉमिकली एड के लिए सीटो ज्वाइन करना, फॉर्मली बगदाद पेट या सेंटो ज्वाइन करना, ये एक सब एक ड्रामा था, और अभी भी हम उस मतलब ये इंडिपेंडेंस जो था दिस इज़ लाइक कम्प्लीटली फॉल्स, और मतलब इंडिपेंडेंस का जो कॉन्सेप्ट है सर वो है ही नहीं, मतलब हम इंडिपेंडेंस कभी हुई ही नहीं थी सर, जो अभी भी जो ड्रामा चल रहा है वो कोल्ड वॉर का ड्रामा चल रहा है सर, मतलब तो आपको क्या लगता है सर? जी तारिक साहब. सर मेरा सवाल, जी अब्दुल गफ्फार फ्रॉम डेरा बूटी. सर मेरा सवाल ओरिजिन पे है कि नेशनलिज्म की जो ओरिजिन है, आपने पहले बताया कि जो इटली और यूरोप में ये जो एम्पायर टूटे थे, जो बादशाह ख़त्म हुए थे वो माश की बुनियाद पे हुए थे, मतलब जो नेशनलिज्म की जो बुनियादें बनी थी वो माश पे बनी थी, और उसके बाद अब जो है ना जो ये स्टेट ने जो स्टेट नेशनलिज्म है, जिस तरह अमेरिका में क्रिश्चियनिटी का जो एक तरह दोबारा से फ़रोग दिया जा रहा है, और इंडिया में हिंदुत्व, और इसी तरह पाकिस्तान में इस्लाम को फ़रोग दिया जा रहा है एक नेशनलिज्म की बुनियाद पर ना बना के, लेकिन हमें दोबारा इन रियासतों में वो जो है ना नेशनलिज्म नज़र आ रही है जो माश की वजह से दोबारा उभर के सामने आ रही है, जो बलोच पश्तून आप कह रहे हैं कि हमें डिप्राइव रखा जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि दोबारा से ये जो मजहबी नेशनलिज्म है इस पे दोबारा ये जो दूसरे हमें नेशनलिज्म नज़र आ रहे हैं, आया इन पर हावी हो सकते हैं दोबारा से? थैंक यू सर. जी तारिक साहब आप पूछ लें फिर आगे चलते हैं. सर बहुत शुक्रिया. तारे गौरी नाम तो आपने बता ही दिया, इंसानी को कदना सा कारकुन हूँ. मेरा एक तो ये जो बात की मादाम, इससे मैं इतफाक़ करता हूँ कि कोल्ड वार की जो चीज़ें हैं और इस तरह से करके, और पाकिस्तान और हिंदुस्तान, और मेरे ख्याल में उनके लिए जो इस्तेमारी कुव्वतें थीं या अमेरिका या यूरोप, अपना इंग्लैंड उस वक्त था यूके, उसने अपने मेरे ख्याल में अमेरिका के साथ बाकी सारी चीज़ें जो जिस तरह से हमारा बाद में बनना, और ये क्योंकि उनको यहाँ पे एक मुल्क चाहिए था जो उनके यू नो मफादात और सारी चीज़ों का ख्याल रख सके आगे चल के, क्योंकि उस वो तो बहुत आगे सोचते हैं, उनके जहन में तो उस वक्त भी रशिया और ऑफकोर्स चाइना भी था, तो उनको पता था कि मतलब जो लेफ़्ट की उनकी ओरिएंटेशन थी इंडिया की और रशिया की तरफ झुकाव था, तो उसके लिए हमें एक यू नो एक ऐसी स्टेट चाहिए थी जो राइटिस्ट, मतलब स्टेट ही राइटिस्ट, जो मतलब जिसका मतलब पाकिस्तान दुनिया की शायद पहली, मुझे करेक्ट कीजिएगा, शायद इज़राइल भी, जिनका मज़हब इस्लाम है ना, मतलब स्टेट का तो मज़हब बेजान चीज़ का तो मज़हब नहीं हो सकता ना, पहली बात तो ये है. अच्छा दूसरी, आपने बड़ी अच्छी बातें की सारी, लेकिन क्योंकि चौधरी साहब ने जो बात की थी, मुझे मैं आते हुए भी डॉक्टर साहब से बात कर रहा था, आप खालिद साहब थे, कि जो पाकिस्तानी मजहबी अकलीतें हैं, मजहबी अकलीतें, आपने ख़ुद भी अपनी बात में जिक्र किया, पाकिस्तानी, मैं तो ये गैर मुस्लिम और इसकी सलाह से भी आपको पता है कि मैं खाइफ हूँ, मुझे बुरा लगता है कि कोई मतलब आप थीसी से पहले एंटी थीसी नहीं दे सकते ना गैर मुस्लिम, इस तरह आपने नहीं कहा लेकिन मैं बात कर रहा हूँ, मैंने कहा हमें भी बुरा लगता है, हमें भी बुरा लगता है. अच्छा लेकिन बात यह है कि देखें मेरा ये मसला, मैं खालिद साहब से कह रहा था कि मेरा मसला मेरी शनाख्त का है, मतलब तीन चार नस्लें पीछे जाके ना मैं गौरी हूँ, लोग मानते ही नहीं, वो कहते हैं तू क्रिश्चियन कैसे गौरी हो सकते हैं, आप ये तीन चार साल पहले तीन नस्लें पीछे चले जाएँ तो मैं कहता हूँ कि आपके जो कौमी शायर हैं वो तो ब्राह्मण थे, तो आपका कौमी शायर भी ना होता, तो ये लोग क्यों नहीं मानने के लिए तैयार हमारे यहाँ पर, कि जैसे वेस्ट की ये मैं बात तो पॉजिटिव है कि वो अगर सिर्फ मज़हब की बात होती तो जैसे आपने खुद ही जिक्र कर दिया बांग्लादेश का,
या अभी की बात कर लेते हैं, उसको छोड़ देते हैं, आप बलूचिस्तान की सूरत हाल आपके सामने है, अगर रिलीजन की बात हो तो वो जो सारी तहरीकें और सारी चीज़ें हुई वो क्यों होती? तो जो यूरोपियन है या दूसरे भी अमेरिकन हैं वो मैं अगर कहीं बाहर मैं मुझे एक दफ़ा मौका मिला तो वो तो मुझे नहीं कहते थे ये पाकिस्तान से क्रिश्चियन आया है कोई, तो ये तो वो कहते थे पाकिस्तानी है। तो ये बात यहाँ पे मतलब क्यों नहीं है शनाख्त इस तरह से? ये कहा जाता है कि ये 2.5% 3% लोग हैं, कानून साज भी ऐसी कर दी जाती है कि ये सदर ऑफ द आर्मी बन सकते हैं, मतलब वो बन ही नहीं सकते। मतलब चले वो और तरफ बहस चली जाएगी, लेकिन जो मैं अपना पॉइंट और मेरे ख्याल में समझा पाया हूँ आपको कि ये हमारी शनाख्त है, हम कहाँ ढूंढें? अगर मैं पंजाबी अपने आप को कहता हूँ तो वो कहते हैं यार ये काइन का तो ये पंजाबी कहाँ से क्रिश्चियन होते हैं, मतलब कहाँ जाएं? मतलब पंजाबी बेसिकली तो हम तो सन ऑफ सॉयल है ना, हम तो नेटिव्स हैं, तो यहाँ के रहने वाले हैं, तो हमारी शनाख्त को माना नहीं जाता। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, मेरे पास 3-4 और सवाल हैं और पहले की तरह ही मुश्किल हैं। अब ये बच्ची ने बात की है यहाँ पर, यानी इथनो सेंट्रिसिज्म या इथनो सेंट्रिक नेशनलिज्म। बशरियात की इस्तेलाह में जो इथनो सेंट्रिसिज्म या इथनो नेशनलिज्म है ना, वो किसी हद तक रेशियल है। रेशियल ज़रूर नहीं हो, नेगेटिव सेंस में हो बिलफर्ज, इस पस मंज़र में कम से कम मैं कह रहा हूँ। यानी कौमियत के तस्वुरात में एक तस्वुर जिसका मैंने पहले ज़िक्र नहीं किया ये भी है कि वो किसी एक ख़ास ख़ानदान और कम्युनिटी की पैदावार है, यानी एक्सटेंडेड फैमिली हैं। वो 4 कबीले थे, 8 थे, 10 थे, या नीचे आए 12 हो गए, 21 हो गए, जैसे बलोचों में हमें ये देखने में नज़र आता है। मगर ये कि उनके आबाओ अजदाद किसी ख़ास नस्ल से या किसी ख़ास इलाके से या किसी ख़ास कौम से ताल्लुक़ रखते थे। तो इथनोसेंट्रिसिज्म की हमारे यहाँ बरसगीर पाक व हिंद में कम मिसालें हैं। यानी हमारी जो कौम परस्ती है वो नस्ली नहीं है। बरसगीर पाक व हिंद में या जनूबी एशिया में ज़्यादातर कौम परस्ती लिसानी रही है और फिर जुज़वी तौर पर मजहबी कौम परस्ती रही है, तो ये नहीं है। अच्छा, दूसरी बात जो है आज़ादी के हवाले से आपने भी बात की और आगे एक और दोस्त ने भी बात की है। मेरा ये ख्याल है कि और सर जंग की भी आपने बात की है, ये आजकल बहुत ज़्यादा इस पर सवाल उठाया जाता है कि पाकिस्तान तो बनाया ही इसीलिए गया था कि वो रूस या अमेरिका या बैन अलाक़वामी ताकतों के लिए एक इंस्ट्रूमेंटल किरदार अदा करे, और ये कोल्ड जंग की, कोल्ड वार की या सर जंग की पैदावार है। देखिए, पाकिस्तान बना 1947 में, और विंस्टन चर्चिल की जो आयरन कर्टन की स्पीच है, आयरन कर्टन बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न यूरोप, वी नीड टू लुक एट दैट ब्लाबला, उसका आगाज़ ही 1950 में हुआ। बहुत से दानश्वर, हमारे दानश्वर, वहाँ के दानश्वर इससे इत्तेफाक नहीं करते, और चर्चिल उसने वो इंतहाई खिलाफ था इसका। मेरा ये ख्याल है बाद में पाकिस्तान ने 1950 और 60 की, ख़ास तौर पर 1950 की दहाई में जो किरदार अदा किया उसके नतीजे में ये सूरत हाल बन गई कि ये बड़ी ताकतों का आलाकार बनने जा रहा है या बना रहा है। पहले अमेरिका था और अब चीन था, ये उसके हालांकि बहुत सी इस पर किताबें भी लिखी गई हैं, लेकिन मुतजाद, मेरा पॉइंट यहाँ पर मैं ख़त्म करूँगा, मुतजाद हवाले, मुतजाद इशारे और मुतजाद हालात व वाक़ियात मिलते हैं, क्योंकि तारीख, हिस्ट्री हैज़ ऑलवेज बीन ऑलवेज बीन एन आइडियोलॉजिकल बैटल ग्राउंड, इट स्टिल इज़। मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान ने बाद में ज़्यादा मायूस किया, जिसकी वजह से तरह तरह के हम थेरीज और नज़रियात घड़ते हैं, हमारे मसाइल की ये वजह है, वो वजह है। और जहाँ तक अलहदगी की बात है तो दुनिया में जुग्राफिया, तारीख, मजहब, ज़ुबान, हर बुनियाद पर कौमियतें बनी हैं, एंड नो स्टेट इज़ अ नेचुरल, किसी ने यहाँ नेचुरल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, नो स्टेट इज़ अ नेचुरल स्टेट, स्टेट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ए जियोग्राफी ऑफ ए पर्टिकुलर एंड और डाइवर्सिफाइड ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव बीन देयर लिविंग देयर विद अ टेरिटरी, विद अ बॉर्डर एंड हैविंग सम इकोनॉमी एंड अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। तो रियासत इन्हीं चीज़ों का मजमुआ होता है।
फितरी रियासत, भाई फितरी रियासत आपको कहाँ मिलेगी? एनार्किस या निराजियत पसंद कहते हैं जब तक रियासत है तब तक इस्तेसाल है। रियासत का वजूद ही फ़र्द और अफराद की आज़ादी के ख़िलाफ़ है, क्योंकि रियासत की तरकीब ही दबाना इस्तेसाल करना, चाहे वो टैक्सेस से लेकर आज़ादी फ़िक्र व इजहार तक। तो जब तक रियासत वजूद रखती है उस वक्त तक इस्तेसाल जारी रहेगा। अब जनाब तारिक साहब, हाँ, बलोच पश्तून, मैं ज़िक्र कर चुका हूँ, पश्तून ग्रीवेंस जो है वो निस्बतन ताज़ा बताज़ा है, पहले नहीं थी। उसकी वजह बिल्कुल दुरुस्त है कि ये जो 1900 यानी पहले अफ़गान जो अफ़गान और सोवियत इन्वेजन के बाद और फिर 2001 और 2 के बाद कत्ल गारत जो बहुत ज़्यादा हुआ है, उनकी ज़्यादा शिकायत इस हवाले से हैं, कोई मुआशी या समाजी या सियासी हवाले से इतना ज़्यादा नहीं है। बलोचों का जो मसला है वो इंतहाई शदीद है। बलोचों के साथ एक तो ये बात दुरुस्त है, हो सकता है ये भी कुछ लोग इत्तफाक ना करें इसमें, उसकी जो मुतशद्दिद तहरीकें हैं वहाँ पर हिंदुस्तान की मुदाखलत है, ये दुरुस्त बात है, लेकिन ग्रीवेंसेस जेन्युइन हैं और उसके ग्राउंडेड हैं और 1947 से हैं, 1970s में रही हैं और 1980s में रही हैं और 2024 में अब भी हैं, और आप सबको पता है कि क्या सूरत हाल है। लिहाजा बातचीत, मुजाकरात, और चाहे रकोडक हो, वो सैंडक हो, वो गवादर हो, पहले बलूचिस्तान का हिस्सा उनकी राय के मुताबिक तय करना चाहिए और उनको अकलियतों में तब्दील करने की कोई कोशिश नहीं करनी चाहिए, फिर कोई और बात करनी चाहिए। तो ये सूरत हाल है। अब आखिरी बात जो है वो मजहबी शनाख्त। मैंने आपको कहा है कि मजहबी शनाख्त जो है, ज़ुबान, कौम, तारीख, ये काफ़ी हद तक अहम रहे हैं। मजहबी शनाख्त रही तो है, मैं उसको रद्द तो नहीं कर सकता, हैं ऐसी रियासतें जिनकी बुनियाद मजहबी शनाख्त है, क्रिश्चियन रियासतें भी बाज़ ऐसी हैं, लेकिन ये इंतहाई कमज़ोर या नुकसानदेह रही है। जब भी मजहबी बुनियाद पर आप अपनी शनाख्त बनाएंगे, आपकी ज़ुबान, आपकी कौम, आपकी तारीख जो कि आपकी भी वही है जो सबकी है यहाँ पर, और बरेसगीर में ये मैंने कहा है कि यहाँ पर लिसानी और कौमियती शनाख्त रही है, मज़हब लोग अख्तियार करते रहे हैं और तर्क भी करते रहे हैं, यहाँ तक कि 1956 में बी आर अम्बेडकर जो कि हिंदुस्तानी सेकुलर आइन का खालिक है, उसने हिंदू मत और हिंदू स्ट्रक्चर और सिस्टम से मायूस होकर 1956 में बुद्ध मत अख्तियार कर लिया और 50,000 उसके जो पैरोकार थे उसके हाथ पर बैयत हुए और बुद्ध मत हो गए। हिंदुस्तानी आइन का खालिक था। तो बहरहाल ये खुद पब्लिकली कन्वर्ट हुआ, ये इतनी अहम नहीं है। आप मतलब पंजाबी शनाख्त बनाना चाहें, पाकिस्तानी शनाख्त बनाना चाहें, जो भी है वो ठीक है, तो इसको मेरा ख्याल है ज़्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इसीलिए हम जुदागाना, आप भी जुदागाना इंतखाबात के ख़िलाफ़ हैं, क्योंकि वो फिर तू क्रिश्चियन, मैं हिंदू, वो मुस्लिम, तो उससे बाद में ज़्यादा मसाइल पैदा होते हैं। तो ये जब कंपैरिजन दो करते वक्त सर कीजिएगा ताकि कोई और ये, जी बस मैं ये कह रहा हूँ कि कंपैरिजन जब दोस्त करते हैं इंडिया पाकिस्तान का ना, तो सर वो कंपैरिजन फिर पूरा करना चाहिए कि आप देखें जैसे भी वो रियासत है, वो तो देखें मोमिन भी नहीं है ना, मैं तो अक्सर ये माइंड नहीं कीजिएगा वो, लेकिन एक मुसलमान को अपना सदर बना देते हैं, एक सिख को अपना प्राइम मिनिस्टर 10 साल के लिए बना देते हैं, उनका सबसे बड़ा हीरो शाहरुख खान है, सलमान खान है, आमिर खान है, यहाँ पे आप मुझे किसी भी वॉक ऑफ लाइफ से एक बंदा भी निकाल के दे दें जो मोमिनों के, हाँ, आपके आइन में इस्लाहात की ज़रूरत है, क्योंकि ये आइनी तकाजा है। और हम ये देखते हैं, मैं साइड नहीं ले रहा, पीपल्स पार्टी देती है जनरल सीटों पर, उनको टिकट देती है और वो जीतते भी हैं। अभी मैंने ज़िक्र भी किया था, महेश कुमार मालानी ने आपके सबका चीफ मिनिस्टर सिंध, क्या नाम है उनका, सर वो सबका चीफ मिनिस्टर, उनको हराया है पब्लिक और जनरल नशीस की सीट पर, अभी मेरे जहन में आ जाएगा जी, हाँ उनको भी दी है टिकट दी। आप प्लीज सवाल भी आप कर रहे थे, आपने हाथ खड़ा किया था, अरबाब गुलाम रही और फिर मजहर साहब, उनका हाथ पहले था फिर मजहर साहब, आपके पीछे सर, अच्छा जी सर बिल्कुल, हाँ।
हेलो सर, माय नेम इज़ मोहम्मद उमेर, बेसिकली आई एम फ्रॉम सवाबी। सर आपने अभी जिक्र भी कि मैं इस तरह बताऊँगा कि यू से डेट द पुख्तून ग्रीवेंसेस आर स्टार्टेड फ्रॉम 1970s, बट द पुख्तून ग्रीवेंसेस आर स्टार्टेड फ्रॉम 1946 व्हेन डॉक्टर हांसे बिकेम द 1946। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट पुख्तून ग्रीवेंसेस। जी जी, ओके, 1892 you say, but that time Pakistan was not state. I am just talking about when Pakistan became a state, and I'm also agree with the statement just the ma'am says that Pakistan is a product of Cold War. Yes, it is rightly, it is a product of Cold War. Lekin sir hum kyun matlab hai ki is tarah 1970s ko एक रिलीजियस नेशनलिज्म को ज़्यादा प्रमोट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह सर आपने ये जो हिंदू नेशनलिज्म की बात की, इट वॉज टोटली स्पॉन्सर्ड बाई स्टेट। सिमिलरली द नेशनलिज्म ऑफ रिलीजियस नेशनलिज्म आर आल्सो टोटली स्पॉन्सर्ड बाई स्टेट थ्रू आउट द हिस्ट्री, एंड द अफगान वार फैक्टर इज द मेन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर इन दिस रिगार्ड। सर ऑन द अदर हैंड, सर एक और क्वेश्चन, जो सर आपने हिंदू नेशनलिज्म की जो हिस्टोरिकल वो पॉइंट बता दिए एम सरवारकर की, गरवारकर की, लेकिन व्हाट इज़ द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कुतिलिया, कि किस तरह कुतिलिया ने जो आजकल मैं खुद आईआर का स्टूडेंट हूँ कि टुडे करंटली द इंडियन जितने भी स्ट्रेटजिस्ट है वो कुतिलिया को कोट करते हैं कि कुतिलिया वॉज द बेसिक फॉर द इंडियन स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। सो हाउ कुतिलिया कैन इम्पेक्टेड द इंडियन नेशनलिज्म। एंड सर वन मोर थिंग लास्ट, के करंटली सम स्कॉलर आप इतनो नेशनलिज्म या इतनो इंस्ट्रूमेंटलिज्म, दे आर कंपेयरिंग जर्मन नाजिज्म विद द हिंदू नेशनलिज्म, स्पेशली द वर्क ऑफ प्रोपेगंडा मिनिस्टर ऑफ जर्मन, I remember his name, ठीक है, आपकी आपकी, आपकी बात समझ आ गई है मज़हर साहब। अच्छा, मैं आपकी बात का क्विकली जवाब दे दूं। मैंने पहले ही कहा है कि मज़हबी कौम परस्ती कमज़ोर रही है और हमेशा नुकसान दे रही है। वो पाकिस्तान का जिक्र हो, वो हिंदुस्तान का हो, या मौजूदा बांग्लादेश का हो, मैं यहाँ तक महदूद रखूँगा, या किसी और खित्ते में हो, इसने बहुत नुकसान पहुँचाया है, पहुंचा रही है, और पता नहीं कब तक पहुंचाएगी, जब तक रियासत को होश आवास नहीं आते। जहां तक पश्तूनों की मैंने बात की है, मैंने दो बातें कही हैं, कत्ल गारत या जो मौजूदा जिसमें उनका कोई हिस्सा नहीं है, 87,000 या 80,000 के करीब लोग मारे गए। अब वन मिनट, वो थोड़ी बात दो बदो हो जाएगी उसमें। वो मुआशी लिहाज से इतने ज़्यादा पछड़े हुए नहीं रहे जितने बलोच, सरायकी और सिंधी रहे हैं। अलबत्ता ये जो 2002 और फिर 1999 के बाद और फिर 2014 के बाद सूरत हाल हुई, वो उन्होंने पश्तूनों को बहुत नुकसान पहुंचाया है, उससे कमल हमदर्दी। हाँ हाँ जी, 79 से शुरू हो गया था ना ये अफगान हवाले। पहले मज़हर साहब, सर एक मिनट मज़हर साहब, फिर आप मज़हर साहब, आप प्लीज़ नहीं नहीं बात कर लें आप, वो थोड़ा मुनासिब नहीं। सर सर असल में जब हम बड़े आलमों से सुनते हैं ना गुफ्तगू, तो उनके नॉलेज की सारा जो बेस है वो यूरोप होता है, और यूरोप सेंट्रिक, और सारी थ्योरीज फ्रॉम यूरोप, और एवरीथिंग फ्रॉम यूरोप। हम जहाँ रहते हैं, इसको मैं इंडिया कहता हूँ क्योंकि इंडस तो हमारे यहाँ है, तो जिसकी बहुत पुरानी तहजीब है, नॉलेज भी बहुत पुराना है। इन्होंने अभी बात की महाराज कोटलिया के बारे में और उसके नॉलेज के बारे में, तो हमारे आलम जो लोग हैं वो आखिर यहाँ से क्यों नहीं तलाश करते अपने इल्म की बुनियादें और थ्योरीज और सारी चीज़ें, वो यूरोप की तरफ क्यों देखते हैं? ये 100% दुरुस्त बात है। कोतलिया चांग के आतारिया बहरहाल अर्थशास्त्र मेरी पढ़ी हुई है, और हम कोशिश भी करते हैं, और हम ये आपसे कहेंगे जो यहाँ की इल्म दानिश को समझते हैं, ये मैं तंजिया नहीं पूरा हम्बली कह रहा हूँ, आप प्रोड्यूस करें ना हिंदुस्तान में, जैसा कि और बहुत सारी चीज़ें हैं, उन्होंने बहुत सा अपना इल्म प्रोड्यूस किया है। साइंस और टेक्नोलॉजी को किसी हद तक छोड़ दें, लेकिन सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, क्यों छोड़ दें, आईटी में वो सबसे आगे हैं,
ना ना मुझे अर्ज करने दें, वो बारोड है, दे हैव लर्न अ लॉट, दे हैव डेवलप्ड अ लॉट, लेकिन समाजी अलूम में उन्होंने अपना इल्म तख्लीक किया है। उनके शायद ही यानी छठी सातवीं से लेकर पीएचडी तक समाजी अलूम में कहीं कहीं किसी मगरबी दानिश्वर का अब जिक्र आता है, वो तेज़ी से उसको रिप्लेस कर रहे हैं। उन्होंने वो किया और आज रफ्ता रफ्ता अब साइंस में भी कर लेंगे। हमारे पास मेरे जैसे खोखले दानिश्वर, आई हैव नो रिजर्वेशन इन एक्सेप्टिंग इट, हमारे पास अज्सा या ज़रिया या तरीक़ाकार या दस्तियाब किताबें ही वही हैं, लेकिन मैं इतना फ़र्क ज़रूर कहूँगा कि उसको मैं कम अज़ कम अपना अज्सा लगा कर ज़रूर देखने की कोशिश करता हूँ। ऐसा नहीं है कि वहाँ से उठाया और पेश कर दिया, वो मेरी बातचीत में भी किसी हद तक शामिल रहा है। मैं ये कहना चाहता था कि आवर एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड हैज बीन फ्रॉम फैमिलीज लाइक अदर एनिमल स्पीशीज, हैज बीन फ्रॉम फैमिलीज टू एक्सटेंडेड फैमिलीज टू नोमैडिक ट्राइब्स टू सेटल्ड ट्राइब्स, ट्राइब्स सेटल्ड इन एग्रीकल्चर, एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, एंड द ट्राइब्स हैव देन इफ दे डेवलप्ड अ कॉमन लैंग्वेज, अ कॉमन आइडियाज, दे टेंडेड टू कम टुगेदर एंड फॉर्म नेशंस। इवन नाउ टुडे in Pakistan there are nations which are half tribal and half settled together, where different people of different tribal origin can live together. There are other places where one tribe would not allow a single person to come in and stay in their so called territory, tribal territory. This is the condition of Pakistan. What I'm saying is, throughout our evolutionary history there has always been conflict. The conflict has been over land and resources. Even today, that is the same. It's the same problem today as it was millions of years, or perhaps at least 200,000 years back. Now, what I want to say is this, that Pakistan today consists of 10 nations. There were 11 nations. The biggest one retreated because it was so badly treated. Now, there are 10 nations in Pakistan, 5 big ones and 5 small ones. There is the Kashmiri nation, which is mostly under Indian occupation, but it's, to me, is a Pakistani nation. Same way are the Pakhtuns. Same way are the, there are 10 nations. So among the bigger nations, there are Kashmiri nation, there is the Pakhtun nation, there is a Punjabi nation, there is a Balochi nation, and there is a Sindhi nation. Among the smaller nation bhi hai, koi nahi hai. Yeah, I will come to that. Saraiki nahi. Saraikis are kind of like Russians and Ukrainians. They have this very much similar language. Aapne jawab dena hai iska. Achha ji. The other one is that the other thing is that the five smaller nations. I think of Baluchi. So isme Russian kaun hai aapke khayal mein? Ye Saraiki case mein nahi bata dena, ye sawal hai mera. Kya ji? Russians are Punjabis. हाँ ठीक है, एंड द अदर्स आर यूक्रेनियन एंड देयर लैंग्वेजेस आर सो सिमिलर, सिमिलरली यूक्रेनियन लैंग्वेज एंड रशियन आर इज वेरी सिमिलर। ठीक है सर, दिस यूक्रेन दिस पीछे, सॉरी, ओके सॉरी, आई विल ट्राई टू बी ब्रीफ। सो दिस फाइव नेशंस इंक्लूड बल्ति नेशन व्हिच इज लुक्स लाइक द पीपल लुक लाइक कश्मीरीज बट देयर लैंग्वेज इज अ डायलेक्ट ऑफ द तिब्बतन लैंग्वेज। देन देयर आर the Gilgitis, whose language is called Shona, and there are Chatralis, and their language is called Khwar, but you know, we can call it Chatrali language. There are Kohistanis, and then there are Barohis who happen to be in Balochistan, who are actually Dravidians, like people of southern India, but somehow they stayed here. Now, what I want to say is this, that we need to define all nations and demarcate their territory. Except the Saraikis. Except the Saraikis. Well, I'm not, nothing against them, but I don't think of them as a separate for now. What we need to do is demarcate their territories, because to a nation, its territory is very important. And make states or provinces? Yeah, I will call them states, like India, they are called in India. Provinces. And every state needs to have several provinces. We need to have 27 provinces, but I would come to that. Aapki baat samajh aa gayi hai? No, you haven't. I haven't finished. So what I want to say is this, that their territory needs to be defined, and their national rights have to be defined. Where there are tribes, their tribal rights need to be defined, in addition to rights of individuals. And this, all this cannot be done
unless two basic conditions are fulfilled by a state like Pakistan. There has to be civilian supremacy, and there has to be a separation between religion and state. And Pakistan fails on both these counts. Chale, theek hai ji, great. Chale. Assalamu alaikum, sir. Waalaikum. My name is Ihsan Khan, sir. I am from Quetta. सर एक्चुअली मेरे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे सर, तो टोटली कुछ कवर हो गया सर, कुछ अभी भी क्लियरेंस बाकी है सर. सर पहला क्वेश्चन ये कि जो माइनॉरिटीज़ के साथ होते हैं अक्सर, जैसे कि इंडिया में है होता है पाकिस्तान में सर, तो क्या सर हम ऐसा कर सकते हैं कि एक स्टेट को हम गवर्न कर सकते हैं विदाउट रिलीजन, चाहे इस्लाम हो चाहे हिंदू हो सर? एक क्वेश्चन ये सर. सर दूसरा क्वेश्चन ये सर ये कि स्पेशली सर ये जो कौम परस्ती है या मज़हब है सर, ये यहाँ पे क्यों ज़्यादा है सर सब कॉन्टिनेंट में सर? ये चीज़ हमने वेस्टर्न में भी बहुत कम देखा है सर. हम सर यहाँ पे डिवाइड हो चुके हैं सर, चाहे मज़हब में भी हम डिवाइड हो गए और फ़िरका वारियत में भी डिवाइड हो गए सर. और सर यहाँ पे कौम परस्ती भी बहुत ज़्यादा है बरसग़ीर में सर, वहाँ पे शर्मा कफूर इंडिया में, यहाँ पे हम बट वगैरह, फिर यहाँ पे खटक अफरीदी, फिर बुगटी में प्रोविंस वाइज बात करूँ सर, तो इस टाइम भी ये चीज़ बहुत कम है सर. सर और एक क्वेश्चन ये सर लास्ट के, सर क्या ये स्टेट की पॉलिसी है सर के एक मेजोरिटी को माइनॉरिटी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकते हैं सर, किसी भी स्टेट, चाहे वो हिंदू का हो, चाहे वो क्रिश्चियन का अगेंस्ट ज्यूस के हो, या जिस तरह पाकिस्तान में सर स्टेट की पॉलिसी हो कि जमात दवा को बनाना, उनको अगेंस्ट यूज़ करना, लाइक तालिबान को यूज़ करना, लाइक सपा सबा को अगेंस्ट शेयर यूज़ करना सर, क्या स्टेट पॉलिसी भी हो सकती है सर? थैंक यू सर. शुक्रिया. हेलो सर, दिस इज़ बिस्मिल्लाह काकड़, बाय प्रोफेशन आई एम लेक्चरर. क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल, इज़ देयर एनी कोरिलेशन बिटवीन नेशनलिज्म एंड पॉपुलिज्म? थैंक यू. थैंक यू, बहुत शुक्रिया जनाब. अच्छा, पहले तो सराय के हवाले से, जो सराय की दानश्वर हैं और मुहक्किक हैं और मौर्रिख हैं, वो इंतहाई ठोस इस्तदलाल और हवालों से ये साबित करते हैं कि सराय की का पंजाबी से कोई ताल्लुक नहीं है. सराय की का इर्तका बिल्कुल अलग हुआ है. उसकी कोई तकरीबन 5 से 6 साउंड्स ऐसी हैं जो पंजाबी में मौजूद नहीं हैं, और थोड़ा बहुत ज़ुबान को समझने के नाते अगर आपके पास 9 साउंड्स हों तो आप पूरी ज़ुबान तख्लीक कर सकते हैं. दूसरा ये कि किसी कौम या कौमियत को ये हक और अख्तियार हासिल है कि वो अपने आप को डिफ़ाइन करें, और लसानियात दान इस बात पर इत्तफाक हैं, द स्पीच एंड स्पीच आइडेंटिटी हैज़ नथिंग टू डू विद एक्सटर्नल फैक्टर्स बट द वे पीपल डिफाइन देमसेल्व्स. तो ये लंबी बहस है. बहरहाल हमारा ये ख्याल है कि ना सिर्फ सराय की एक अलग कौम है, बल्कि सबसे ज़्यादा और सबसे पहले अगर कोई सूबाई शनाख्त या सूबाई तश्कील व तख्लीक का दावा और जायज़ दावा, सियासी दावा, मुआशी दावा और समाजी दावा रखती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ सराय की कौम है, और सबसे पहले सराय की सूबा बनाना चाहिए. तो मैंने यही कहा ना कि कौमियत की बुनियाद ज़ुबान पर रही है, ज़्यादा इसका हिस्सा और तारीख पर रही है. अच्छा, वो काउंटर आर्गुमेंट नहीं करते, मैं आपको टाइम देता हूँ, मैं थोड़ा सा आगे चला जाऊँ, फिर आगे बात करते हैं. जी, आपका सवाल जो है वो बड़ा अहम है कि क्या मज़हब के बग़ैर गवर्नेंस या हुक्मरानी हो सकती है. सादा सा जवाब है, बिल्कुल हो सकती है. मज़हब का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि जितने भी मज़हब बशमूल इस्लाम के जब वो मुतारिफ हुए, तो रियासत का ये तसव्वुर, रियासत की ये ढांचा और रियासत के ये अफ़आल या कज़िये जिसे कहें, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे. मज़हब का 2-3 चीज़ों से ताल्लुक़ होता है, तमाम मज़ाहब का बैनुल अफरादी अखलाकियात, कुछ बुनियादी असूल जैसे समाजी इंसाफ, किसी हद तक इस्लाम में भी उसका ज़िक्र है, दौलत के इर्तकाज़ को मना करना और इस्तेहसाल को रोकना, और फिर 8-10 कमांडमेंट्स, वो तकरीबन तमाम मज़ाहिब में हैं. हो सकता है क्योंकि गवर्नेंस के रूल्स, प्रिंसिपल्स, सिस्टम्स और लेजिस्लेशन जो है वो बहुत बाद की ईजाद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो कम्युनिटी है या लोग हैं वहाँ के, वो उनको मज़हब तर्क कर देना चाहिए या मज़हब को अहमियत.
वो इंसान का, फ़र्द का या कम्युनिटी का या वालदैन का ज़ाती मामला और मसला है। ये बहुत ज़्यादा इस पर बातचीत हो चुकी है, बहस की मेरा ख़्याल है ज़रूरत ही नहीं है। रियासत जो है, रियासत का काम है बिजली, गैस, पानी, सेहत, तालीम, सड़कें, नालियाँ, गलियाँ और मईशत, आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी को आसान बना। वो मुकामी हुकूमत हो, सूबाई हुकूमत हो या मरकज़ी हुकूमत हो, और बस वो एक मैकेनिकल सिस्टम है और मैकेनिकल सिस्टम होना चाहिए। नेशनलिज्म का पॉपुलिज्म के साथ बहुत करीबी ताल्लुक रहा है, लेकिन पॉपुलरिज्म का एक्सट्रीमिज्म के साथ भी ताल्लुक रहा है और ये बहुत नुकसान दे रहा है। इसको जितना हम अनपैक करें, मज़ार साहब ये सिर्फ मगरबी इल्म नहीं है, हमने बरेसगीर पाक हिंद में भी यही देखा है, तो वो नुकसानदेह होता है। और एक पॉपुलर्स तहरीक जो हमारे यहाँ अब मौजूद है और हम देखते हैं कि उसमें भी काफ़ी मसाइल पैदा हैं, तो इसका बहुत करीबी ताल्लुक है। और आपको सुनकर शायद हैरत हुई, वो हिटलर साहब भी वोट के ज़रिए आए थे और नेशनलिस्ट सोशलिस्ट पार्टी रिपब्लिक और पता नहीं क्या क्या कहते थे, और फिर क्योंकि ये जब आ जाते हैं तो फिर उसके बाद फासिज़म को मुतारिफ़ कराते हैं हर जगह। अच्छा, वो सिर्फ मजहबी कौम परस्ती नहीं है, वो अगर किसी और जर्मन कौम परस्ती मैंने ज़िक्र किया उसका, या फ्रांसीसी कौम परस्ती हो उसका भी नतीजा यही निकलता है, या नस्ली कौम परस्ती हो उसका पॉपुलिज्म के साथ ताल्लुक बहुत करीबी है और वो नुकसानदेह भी होता है। शुक्रिया, मेरा ख्याल है। हाँ, ओके यार, चले प्लीज़ जी। ये स्टूडेंट, सो आई थिंक इज़ अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, आई नो, प्लीज। सो वी हैव सीन द इम्प्लिकेशन, नाम बता दें बेटा आपका। माय नेम इज दानिश खुर्शीद एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, एंड प्लीज डोंट माइंड इट। So we have seen the implications of nationalism in South Asia especially. So I was wondering, an alternative history, what if colonization did not happen, as we've seen that nationalism in South Asia came through colonialism and all that. ये तो तारीख का बहुत बड़ा सवाल है, जिस तरह तारीख में बहुत ifs and buts हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि अगर नौआबादियाती और ख़ास तौर पर मगरबी नौआबादियात ना होती तो अफ्रीका और एशिया और लातिनी अमेरिका के मुल्क बहुत बेहतर होते, उनकी ये सूरत हाल ना होती, ये तो तयशुदा बात है। अब जहाँ तक ये नौआबादियात ना होती, उसमें अरब नौआबादियात भी रही है, उसमें तातारी नौआबादियात भी रही है, उसमें चीन किसी ज़माने में चिन था, ये जो मौजूदा चीन है माहरीन कहते हैं, जेम्स स्कॉट खासतौर पर कहता है वो बाहर से अंदर आने वालों या जा रहे को रोकने के लिए नहीं थी, बल्कि रियासत के अंदर जो लोग थे उन्हें रियासत से भाग जाने वाले लोगों को रोकने के लिए थी। ये रियासत का एक नया तस्वुर है कि 80% लोग 1949 तक, वो कहते हैं, रियासती दायरे कार से बाहर रहते थे, अंदर नहीं रहते थे। तो दूसरी नौयत की थी, लेकिन उनमें से अक्सर आकर रच बिस गई, उनकी ज़ुबान, उनकी कौम, उनकी शनाख्त, हत्ता कि उनका धर्म भी अख्तियार किया। तो ये फ़र्क ज़रूर है, इसलिए मैं मगरबी जो कौम परस्ती है, मगरबी नौआबादियात है, उसको अलग रखता हूँ। एक